प्रेम। हरे राम हरे राम राम राम। हाँ आप लोग एक बार जोर से बोलो, मैं सुनूंगा। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया था। आप बताओ पहला प्रश्न क्या था? हाँ आत्मा को एक ही बच्चा याद करता है। तुम लोग कथा सुनते कि नहीं सुनते हो ना? शरीर यहीं पर घर में, मन है। हाँ मन लगा कर सुनो। पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसलिए इसका उत्तर देते हैं कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे। ठाकुर जी की शरण में जाएंगे और शरण में जाकर के क्या करे? कलियुग में सबसे भगवत प्राप्ति का सरल उपाय है कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलियुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, हाथों में घर का काम करो और मुंह में ठाकुर जी का नाम लो, बात इसी से हमारी बेड़ा पार हो जाएगी। ठीक है एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो जोर से हरे राम 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 हरे हरे। बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुत भयम् जोगिनां नृपनिर्णित हरि नामानुकीर्तनम्। बोले भगवान का नाम तीनों व्यक्तियों को लेनी चाहिए। पहला नंबर है एतत् निर्विद्यमानानां, ये संसार से जो मुक्त होना चाहते हैं, और दूसरे व्यक्ति अभयम् जो संसार में निर्भय पूर्वक रहना चाहते हैं, और तीसरा नंबर है बोले जोगिनाम नृपनिर्णित, जितने शास्त्र वेद पुराण इतिहास वो एक ही बात बताए क्या करनी चाहिए? हरि का नाम करनी चाहिए। इसलिए भगवान का नाम ही जीवन का, यही जीवन का सार है। इसलिए जिस समय ये रामायण ग्रंथ रचना की वाल्मीकि ने, उसमें 1,00,000 श्लोक था। अभी ये 1,00,000 श्लोक को लेकर के देवता दैत्य और मानव में लड़ाई हुई। देवता बोले हमें मिलनी चाहिए, दैत्य बोले हमें मिलनी चाहिए, और जो मानव थे बोले हमें मिलनी चाहिए। बोले भैया लड़ाई मत करो, चलो ये ग्रंथ जिसका उनको पास में चलते हैं। बोले ग्रंथ सर्वप्रथम किसने रचना करके रखे? बोले शंकर जी अपना हृदय में ही सर्वप्रथम ये ग्रंथ को रचना करके रखे। बोले चलो शंकर जी को पास में चलते हैं। शंकर जी बोले भैया लड़ाई करके कोई लाभ नहीं, तीनों बैठ जाओ, तीनों में बंटवारा कर देता हूं। उसमें 1,00,000 श्लोक था, उसको 30,000 तीनों को बंटवारा कर दिया। आप बताओ कितना बाकी रहेगा? 10,000। अभी 10,000 लेकर लड़ाई हुई, फिर उसको 3,000 दे दिया, कितना रह जाएगा? 1,000। अभी 1,000 को लेकर लड़ाई हुई, फिर उन्होंने 1,000 को 300 300 300 करके बांट दिया, कितना रहेगा? 100। 100 को लेकर के लड़ाई, फिर उन्होंने 30 30 30 बंटवा दिया, कितना रह जाएगा? 10। 10 को लेकर लड़ाई हुई, बोले उनको 3 3 3 दे दिया, बाद में कितना रह जाएगा? 1। 1 को लेकर भी लड़ाई हुई,
शंकर जी बोले कोई चीज नहीं, इसको भी मैं बटवा देता हूं। कहते एक श्लोक में चार है, उसमें एक श्लोक में उसमें होता है जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समभेद जुजुस्व माम कहा पांडव शैव किम अकुर्बन संजय। एक श्लोक में चार भाग होता है, हैं? उसको लेकर के उन्होंने एक भाग दे दिया, और एक भाग में होता है आठ अक्षर। अभी आठ अक्षर को लेकर के झगड़ा हुई, फिर उन्होंने दो अक्षर दो अक्षर दो दिए दो दे दिया, कितना रह जाएगा बताओ? दो। शंकर जी बोले देखो इतना मैंने कष्ट किया है भैया, मुझको तो कुछ मिलनी चाहिए ना। कहते ये दो अक्षर किया कृष्ण नहीं तो राम। फिर शंकर जी ये दो अक्षर को अपना कंठे में धारण कर लेते हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर भी राम नाम को पंचमुख में प्रभु का नाम भी जप करते हैं भोले बाबा, इसलिए महामंत्र जयी जपत महेशा। शंकर भी ये महामंत्र को जप करते हैं, इसलिए जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है वो हरि का नाम। अगर जीवन में कोई हरि का नाम कर लेना, समझना हमने सारे वेद पुराण इतिहास हमने सब कुछ पढ़ लिया। अगर तुमने सारे ग्रंथ शास्त्र को तो पढ़ लिया लेकिन तुम्हारी हरि की नाम में ही नहीं रुचि है, फिर क्या समझो भैया तुमने कोई ग्रंथ व्रंथ कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है ना? क्या करनी चाहिए? अरे मेरे तरफ में देखो, इधर उधर क्या देखते हो, क्या करनी चाहिए? हरि का नाम जप करो, और अंतिम समय में हरि का नाम ही हमारे साथ में यही नाम जाएगा। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले सचिनंदन गौर हरि की जय। बोले बदंती तत्त्व विदस तत्त्वम जज ज्ञानं मद्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवानिति शब्दते। बोले वो एक ही ब्रह्म है, उनको उनका तीन भक्त हैं, एक ज्ञानी एक योगी और एक भक्त। को तो ब्रह्म को ज्ञानी किस रूप में दर्शन करता है? वो दूर से देखता है, वो तो एक ज्योति और कुछ नहीं दिखता है। बोले योगी किस रूप में देखता है? कहते एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा रूप में अपना हृदय में ध्यान करता है। लेकिन भक्त उनको किस रूप में देखता है? बोले भक्त उनको भगवान रूप में कृष्ण राम नारायण इस रूप में भक्तों ही दर्शन करते हैं। फिर यहाँ प्रश्न होता है क्या सबके सब बराबर नहीं, सबके सब बराबर नहीं है, हैं? सबके सब बराबर नहीं। कहते पूर्ण रूप में किसको प्राप्त होता है? बोले एक भक्तों को ही, पूर्ण रूप में एक भक्तों को ही प्राप्त होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सुंदर स्टोरी बताया, ध्यान देकर सुनो, ये कथा को सुनना, कथा के बाद में पूछूंगा, जो उत्तर देगा उसको मैं इनाम दूंगा, नहीं तो खड़े करूंगा, ठीक है? सुना। बोले एक समय कोई एक दरिद्र था, घर घर में भीख मांग रहा था, एक सर्वज्ञ था। सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जो तुम्हारी मुख को देख करके सारी बात तुमको बता दे, घर में कितने माल कहां पर रखा हुआ, तुम्हारी पति कैसे, तुम्हारी देवर कैसे, तुम्हारी पत्नी कैसे, तुमको देख करके सारी बात बता देगा। एक समय सर्वज्ञ ने देखा दरवाजा दरवाजा पर भीख मांगते हुए, बोले इधर आ भैया, तो भीख क्यों मांग रहे हो? बोले घर में कुछ कुछ खाने के लिए कुछ है ही नहीं। बोले देख बेटा, तेरे जो पिताजी है ना मेरे मित्र थे, तेरी घर में एक सोने की कलसी में हीरे जवाहरात गड़ा हुआ है, तेरे पिताजी मेरे मित्र थे ना, मेरे को ये बात बता कर गए। बोले देख बेटा, ये उत्तर दिशा का मिट्टी खोदना नहीं, खोदोगे तो उधर एक बहुत बड़ा अजगर सांप रहता है, ये निकल गया तो सिद्धार्थ मुख निकल जाएगा। दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर ततिया रहते, ततिया जानते कि नहीं, कीड़े, अगर 5-10 काट दिया ना राम नाम सत्य हो जाएगा। पश्चिम दिशा पर उधर भी खोदना नहीं, उधर एक प्रेत भूत रहता है, अगर वो भी निकलेगा तो खा जाएगा। लेकिन वो माल किधर रखा हुआ, ये पूर्व दिशा में रखा हुआ, ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे बस झरी निकलेगा, है फिर तो माला माल हो जाओगे। उसने देखा मेरे पिताजी इतने घर में पैसा रख करके गया लेकिन मेरे को ये बात पता ही नहीं, बड़े खुश हो गया,
जा करके पूर्व दिशा का थोड़ी सी जब मिट्टी हटा है ना, सोने हीरे जवाहरात कलसी में निकला, एक एक बेचा तो करोड़ करोड़ रुपया हुई, माला माल हो गया। बोले मतलब क्या है, यहां पर कहते तुम कर्म मार्ग में मत फंसो। अगर कर्म मार्ग को फंसोगे ना, कोई कहते नारी कर्म करो, कर्म ही सब कुछ, कोई बोलते है ना, बोले नहीं, ये भी पता चलनी चाहिए कर्म कैसे कर्म करनी चाहिए। अकर्म विकर्म सुकर्म, कर्म का अनेक तरह का डेफिनेशन दिया। हाँ, कर्म करो, भगवान गीता में कहते हैं, बोले यज्ञार्थार्थ कर्मन अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारे। बोले हे अर्जुन खूब कर्म करो, लेकिन वो कर्म किसके लिए, बोले ठाकुर जी के लिए। रसोई बनाओ किसके लिए, ठाकुर जी के लिए। घर साफ करो, किसका घर साफ कर रहे हो, भगवान की मंदिर की। पैसा कमाओ किसके लिए, पैसा कमाते हो, ठाकुर जी के लिए, ठीक है ना। इसलिए अगर सारे कर्म का उद्देश्य अगर भगवान होएंगे, फिर तुम्हारी कर्म करना सार्थक था, नहीं तो कर्म बंधन। पूर्व जन्म में जो कर्म किया, वो कर्म का तो फल भोगने के लिए आई संसार में, क्यों आयो कर्म का फल को भोगने के लिए, है ना। अरे हाँ कि ना बोलो। लेकिन संसार में कोई सुखी हो, किसको पूछो, ठीक ठाक है वो मुंडी हिलाएगी, लेकिन पास में बैठ जाओ, कोई बोलेगा सास से कोई दुखी, कोई बोलेगा ससुर से दुखी, कोई बोलेगा ननंद से दुखी, कोई बोलेगा काम से दुखी, कोई बोलेगा पड़ोसी से दुखी, कोई बोलेगा मन से दुखी, दुखी दुखी है कि नहीं, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, सब संसार में पूछोगे सब दुखी दुखी है। ये फल क्यों क्यों क्यों, तो पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया, चुपचाप बैठो, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया है, वो कर्म का फल को हमने भोगने के लिए आए। इसलिए बोले कर्मणाम ग्रहणागति। लेकिन वो कर्म अगर भगवान के लिए हो तो फिर कर्म नहीं, वही भगवान की भक्ति बन जाएगी। बोले ज्ञान मार्ग में नहीं जाना। बोले ज्ञान मार्ग क्या है, जो व्यक्ति चाहते हैं अपना सत्ता को वो ब्रह्म ज्योति में ही लीन कर दे, हैं ज्योति से, उसे लीन होने से क्या होगा, तुम्हारी आत्म सत्ता खत्म हो जाएगी। भगवान जो रस स्वरूप आनंद स्वरूप है, हम उनकी संतान हैं, हम भी वो रस का आस्वादन कर सकते हैं। जैसे कि चींटी गुड़ खाने के लिए गया, लेकिन गुड़ पतला पतला थी, लेकिन जब खाने के लिए गया उसमें लपट गया, फिर गुड़ कैसे आस्वादन करेगा, वो तो उसमें लिपट गया। इसलिए कहते भैया ज्ञान मार्ग में मत फंसो, फिर योग मार्ग में नहीं जाना। किधर जाना, बोले भगवान की भक्ति मार्ग में जाओ, भगवान की भक्ति मार्ग में जाओ। ये मार्ग बहुत सरल मार्ग, ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे, मतलब क्या है, थोड़ी सी भगवान की भजन करो, भगवान की नाम करो, बस आनंद ही आनंद है। भक्ति में जैसे देखो कीर्तन हो रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं, कीर्तन में कथा हो रही है, आनंद आ रहा है कि नहीं, प्रसाद भी है, आनंद आ रहा है कि नहीं, बस आनंद ही आनंद है, हाँ आनंद ही आनंद बरस रही है। इसलिए हमको प्रभु की भक्ति मार्ग में जानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताए, बोले जदा ददा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कहते ऐसे जो भगवान, ये युग युग में भगवान अवतीर्ण होते हैं। भगवान का पहला अवतार है ब्रह्मा जी की मन से, भगवान ये चतुसन रूप में जन्म हुए, सनंग सनातन सनातन और सनत कुमार हैं। कहते ये ब्रह्मा की चार, ये मानस पुत्र है। दिन रात क्या करते हैं, बोले कृष्ण कथा मात्र का जीवन। अगर कोई सुनने को मिल जाए तो कथा सुनाते हैं, अगर कोई मिलते नहीं फिर तीनों बन जाते हैं श्रोता और एक बन जाते हैं वक्ता। फिर दिन रात प्रभु की चर्चा में ही डूबे रहते हैं। भगवान का जो दूसरा अवतार है, ये बराह अवतार है। कहते बराह अवतार ने क्या किया, बोले जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, इन्होंने बराह अवतार लेकर के ये पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन किया। इसलिए यहाँ पर बताए शाम को चार काम नहीं करनी चाहिए। क्या क्या नहीं करनी चाहिए,
अब बताओ क्या क्या नहीं करनी चाहिए, पता है कि नहीं? हाँ सुन लो ध्यान करके। पहला काम है शाम को भोजन मत करो। जो भोजन करेगा जिंदगी भर उसका पेट का बीमारी सही नहीं होगा। ठीक शाम का समय में सोना नहीं। जो सोएगा उसको घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, जिंदगी भर वो दरिद्रता रहेगी। तीसरा काम है बच्चों को ठीक शाम का समय पर उनको पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। हैं? पढ़ाई करने से सब भूल जाएगा। हम कभी कभी कहते हैं ना बच्चा तो घर में बढ़िया पढ़ता है, लेकिन जब पेपर देने जाता है ना पता नहीं भूल ही जाता है सब कुछ। लगता है वो शाम का समय में पढ़ता है। गीता रामायण भागवत पढ़ो, लेकिन कोई स्कूल का जो पुस्तक उसको नहीं पढ़नी चाहिए। और जो चौथा काम है पत्नी को साथ में जो सहवास है वो नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक समय श्री कश्यप ऋषि की जो पत्नी वो अदिति ने ठीक शाम का समय में बड़ा सुंदर उसने शीशा को सामने खड़ी होकर के श्रृंगार की। देखने में तो बड़ी प्यारी थी, सुंदर थी। अपना श्रृंगार करके काम में वो इतने आतुर हो गई, अपना पति से मिलने के लिए गई। पति बोले देखो ये जो शाम समय है ना, अभी शंकर जी अपना भूत पिशाच को लेकर के भ्रमण करते हैं, अगर इसी समय तू अगर मिलोगे तुम्हारी गर्भ में बच्चा अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी, वो पति को साथ में जोर जबरदस्ती उसने मिली। ऋषि बोला तुमने अच्छा काम नहीं किया, तेरे पेट में राक्षस जन्म लेंगे। आप देख लेना कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बच्चा होता है बहुत अच्छा, बड़े आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को देखा इतने उद्दंड होते हैं, इतने उद्दंड है पिता माता की बात नहीं सुनते। कारण क्या? बोले जिस दिन गर्भ में बच्चा आया है वो समय अगर अमृत जोग हो, हैं अमृत जोग हो, बढ़िया टाइम हो, वो बच्चा बहुत अच्छा होता है। अगर काल बेला बाल बेला समय अगर सही पर नहीं हो तो देखना बच्चा बड़ा गड़बड़ी होता है। फिर दूसरा चीज, जब गर्भ में बच्चा आए उसी समय में भी माताओं को उल्टा पुल्टा पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। आप देखना आप जो कुछ देखोगे ना वो बच्चे के ऊपर वही संस्कार आएगा। जैसे मानो अभी कोई माता जी गर्भवास हो, आप कथा सुन रहे हो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना वो भी बैठ कर कथा सुनता है। अगर उस समय आप मंदिर परिक्रमा करते हो बच्चा भी मंदिर परिक्रमा करते हैं। जैसे आप कुछ कुछ माताएं हरिनाम करते हो, वो पेट में बच्चा है ना वो भी बैठे बैठे करके वो भी हरिनाम करता है। आप जो कुछ करोगे बच्चा वही करेगा। हैं? अगर उस समय उल्टा पुल्टा पिक्चर देख रहे हो, गंदी गंदी पिक्चर, फिर तो वो बच्चा गुंडा बनकर निकलेगा। फिर हैं? गुंडा बनकर के निकलेगा, फिर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। इसलिए गर्भ संस्कार का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बोले तुमने अच्छा काम नहीं किया, तेरे गर्भ में दो दैत्य जन्म ग्रहण करेंगे, दुखी हो गए। बोले मेरी अपराध हो गई, माफ कर दो। बोले देखो अपराध किया माफी मांगा, मैं वरदान देता हूं तेरा जो बेटा होगा ना वो तो दैत्य बनेगा, लेकिन तो बेटा का जो बेटा होगा वो भगवान की परम भक्त श्री प्रह्लाद महाराज होकर के जन्म लेंगे। इतने बड़े ठाकुर जी के भक्त बनेंगे, वो खंबे से भी ठाकुर जी को प्रकट कर देंगे। हैं? बोले श्री प्रह्लाद महाराज की, बोले श्री भगवान नरसिंह देव की। कहते भगवान की जो चौथा अवतार है, कहते श्री तीसरा अवतार श्री नारद रूप में आए। आप लोग नारद जी का नाम सुने होंगे, जगत में नारद जी का बड़ा बदनाम। ए बच्चों बात नहीं करना, भैया पीछे कोई बैठो, ये बच्चों को चुप बैठाओ। इसलिए जो नारद जी हैं, हम कभी कभी कहते ना तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या लड़ाई लगा रहे हो आपस में? नहीं, नारद ऐसे नहीं। आप देखना नारद जी के बगैर प्रभु की कोई लीला ही नहीं होगी। कृष्ण लीला देखो, राम लीला देखो, उसका मूल देखोगे श्री नारद है। इसलिए विशेष करके इनकी चार चले हुए, दो बालक और दो वृद्ध। दो बालक कौन हुए? एक ध्रुव और एक प्रह्लाद। ऐसे इनकी भक्त हुए, कहते 5 साल उम्र में ही इन्होंने भगवत प्राप्ति कर लिया। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले जन्म जन्म
मोनि जत न कराए जय नमः जनम मोनि जत न कराए अंतराम कही आवत नाए अंतराम कही आवत नाए जनमा जनमा मोनि जत न कराए इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी भैया अंतिम समय में राम का नाम आना बड़ा कठिन। देखो एक समय एक बूढ़ी माता जी अंतिम सज्जा में लेट हुई प्राण छोड़ने वाली, लेकिन दैया रे मैया रे ये बेटी को हर साल कपड़ा दे देना और वो बेटी को ये सारी बात कर रही थी, लेकिन उसको जो पोते थे ना वो बड़े चालाक थे, बोले दादी क्यों आप इधर उधर की बात करते हो, थोड़ा राम नाम कृष्ण कृष्ण तो कर दे, अंतिम सज्जा में कोई चिंता मत करो हम संसार देख लेंगे। हाँ बच्चों ने बोले माता जी एक बार राम राम कृष्ण कृष्ण तो बोल दे, बोले इतना बात मेरे से बोला नहीं जाता है। तो कितना बात बोल दिया, इतना बात मेरे से बोला नहीं, 12 अक्षर बोल दिया, लेकिन ये 2 अक्षर राम उसका मुंह से निकला नहीं। उसका जो पोते थे बड़े चालाक थे, बोले दादी तेरे मुंह से क्या नहीं निकलेगा, वो सोच रहे थे कम से कम बोलेगी राम नाम नहीं निकलेगा, बोले तो जो तू जो भूलवाना चाहते ना वही नहीं भूल सकते। आप देखना कुछ कुछ माताएं होती हैं, देखना बैठ करके सारा दुनिया की 4-5 माताएं बैठ जाए, अगर बुढ़िया बैठ जाए तो सास की चुगली, और बहू बैठ जाए तो सास की, और सास बैठ जाए तो बहू की चुगली, घंटे घंटे तक करते रहेंगे। लेकिन बोलो भैया क्यों दुनियादारी बात करते हो, थोड़ा हरि का नाम लो, बोले इतना हमसे नहीं होगा, इतना हमसे नहीं होगा, क्यों जानते हो, जो पापी है ना उनको मुंह से भगवान के नाम नहीं निकलते, जो पुण्यात्मा है भगवान खुद कहते हैं जिसने करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य को अर्जन किया वही व्यक्ति इसी जीवन में हरि का नाम वही ले सकते हैं। इसलिए भैया जीवन बड़ा कीमती जीवन है, ऐसे ऐसे जीवन को नहीं बितानी चाहिए, समय मिले तो हरि का भजन करो हरि का नाम करो, ठीक है ना। कौन कौन हरि नाम करते हैं अपना माला पर ऊपर उठा कर दिखा, तो देखो कुछ माताएं हैं इधर देख लो तुम्हारी माला कहाँ, देखो जो माला देखो माता जी कर रही है, देखो ये माता जी माला कर रही है बैठी करके हरि नाम कर रही है, इनके लिए एक बार ताली बजाओ, कम से कम बैठ करके हरि का नाम करते हैं, हैं? ये लोग इधर उधर कोई बकवास नहीं करते हैं, बैठ करके हरि का भजन करते हैं, और यही नाम ही अंतिम समय में हमारी काम में आएगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर ध्रुव और प्रह्लाद हुए, बोले इनकी 2 वृद्धा चले हुए, बोले कौन, एक वाल्मीकि और एक श्री व्यास देव। ये वाल्मीकि पहले डाका डालता था, है दस्यु था, एक दिन नारद जी मिले, बोले बाबा निकालो क्या पास में माल पानी, बोले भैया हम संत हमारे पास में लोटे सोटे लंगोटे 3 चीज, बोले जो कुछ हो निकालो, बोले ये बताओ बेटा तू ये जो झूठ बेईमानी पाप कर्म करके पैसा कमाते हो ये पाप को कौन लेगा, बोले मेरे बीबी मेरे मेरे बच्चे मेरे पिता माता, बोले देख ध्यान देख रहे सुन ये सबके सब तेरे सुख में मदद कर रहे, कोई भी तेरे दुख में कोई काम नहीं आएगा, जा पूछ कर गया पत्नी से पूछा, बोले मैं जो झूठ बेईमानी करके पैसा कमाता हूँ तू लोगी कि नहीं, बोले क्यों घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं। पिता माता को पूछे, बोले तेरे को हमने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, भैया कैसे पैसा कमाया हमें पता, लेकिन तू कैसे कमाता हो हमें पता नहीं। बच्चों को पूछा, बोले भैया हम तो बच्चे हैं आपका कर्तव्य आपको लालन पालन करना, बड़े होकर कैसे पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे, बोले बाबा तो सही कह रहे थे।
वापस आए, बाबा की चरण में गिरे, बोले बाबा आप तो सही कह रहे थे, मैंने तो बड़े बुरे कर्म किया है, डाका डाल करके मैंने पैसा कमाया, मैं सोच रहा था ये परिवार सबके सब मेरे साथ में, लेकिन कोई भी मेरे साथ देने वाले नहीं, बता मेरी मुक्ति कैसे होगी। फिर देख बेटा, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। लेकिन उसको मुंह से हरि का नाम नहीं निकला, क्यों? पापी था। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ, इसलिए उन्होंने आप लोगों को बोलो तो मरा 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 बोलो। हाँ देखना, मरा मरा बोलते अपने आप राम नाम हो जाता है, इसलिए प्रभु का नाम में इतने शक्ति। कहते भगवान राम आने से पहले वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ को रचना कर दिया, इतने प्रभु का नाम में शक्ति है, इसलिए हरि का नाम लो, ठीक है ना। कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन माई। बोले राम ना सकई नाम गुन गाई, राम नाम की इतने महिमा, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा ठाकुर जी नहीं जानते हैं। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, सब याद करते कि नहीं कथाओं को, जाकर के अपना बहुओं को और अपना सास को सुनाना, ठीक है ना, बच्चों को सुनाना, जितना जो कथा सुन रहे हो। अभी मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आज जाकर के घर में सबको सुनाना, मैं घर में जाकर पूछूंगा ये सुनाए कि नहीं, इधर आकर बैठ जाते हैं चुपचाप, ठीक है, ध्यान देकर सुनो। जिस समय भगवान राम लंका विजय के लिए, बोले सेतुबंध बांधना पड़ेगा, बोले कैसे, इतने में देखा बंदर लोग बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, और हनुमान जी उसके ऊपर राम का नाम लिख करके जब छोड़ते हैं ना, वो पत्थर तैरता है, लेकिन वो सिमटेगा जुड़ेगा कैसे, एक पत्थर में ना और दूसरे पत्थर में म लिखते ही ना, वो सिमटे का काम कर रहा था, जुड़ रहा था। भगवान राम बैठी बैठी करके बड़े आश्चर्य हो रहे थे, बोले मेरे नाम में इतने शक्ति हैं, राम नाम लिखते पत्थर तैरता है। ठाकुर जी ने देखा, मैं भी एक दो आध पत्थर उठा करके फेंक करके देखता हूँ, पत्थर पत्थर डूबता है ना तैरता है, बोले अगर इनको सामने फेंकू अगर डूब गया तो फिर मेरे नाक कान कट जाएगी, बोले मैं छुप करके किसी झाड़ी को अंदर में फेंकता हूँ, एक झाड़ी में जा करके जो पत्थर फेंके ना वो डूब गया, और एक पत्थर फेंके डूब गया। भगवान राम देख रहे ये क्या हो रहा है, मेरे नाम लिख करके जब पत्थर छोड़ते तैरता है, मैं स्वयं राम हूं और पत्थर फेंकता हूं डूब कैसे जाता है। इतने में हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु कहां गए, दिख नहीं रहे। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते देखा, जैसे बच्चे लोग बचपन में क्या करते, पत्थर उठा उठा कर पानी में फेंकते हैं ना, ऐसे ही भगवान पत्थर को लेकर के बच्चे जैसे फेंक रहे हैं। हठात हनुमान जी प्रकट हो गए, प्रभु राम तो सोच रहे थे कोई देख नहीं रहा साथ, लेकिन इतने में हनुमान जी देख लिया। इतने में राम बोले तू कहां से आ गया, मैं तो सोच रहा था कोई देख नहीं रहे। बोले प्रभु पहले ये एक बात बताओ, आप बच्चे जैसे ये पत्थर उठा उठा कर पानी में क्यों फेंक रहे हो। बोले हनुमान मेरे मन में बहुत बड़े एक शंका है। बोले प्रभु बताओ क्या है। बोले तुम लोग मेरे नाम को लिख करके जो पत्थर को छोड़ते हो तैरता है, मैं स्वयं राम जब पत्थर उठाकर फेंकता हूं डूबता है, मेरे को समझे में नहीं आ रहा है। बोले प्रभु ये तो सीधी सी बात। बोले सीधी सी बात कैसे बताओ। बोले पत्थर क्यों तैरता है, चूंकि उसको ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ, आपका नाम की सहारा लिया है इसलिए वो तैरता है, लेकिन वो आप जिस चीज को उठाओ और फेंको, मतलब क्या फेंकना, मतलब आप उसको छोड़ दिया। प्रभु बताओ जगत में इसे कौन सा चीज, आप विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, अगर उठा कर किसको फेंकोगे छोड़ोगे वो कभी तैर सकता है ना, डूब जाएगी, वो तो डूबेगा ही, इसलिए ये डूब रहा है, हैं? इसलिए ये डूब रहा है। बोले ओ ये बात है, हैं? इसलिए बोले हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अतिथि नहीं निता,
बुरे कर्म में सदा लीन था, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा, हो गए बब से पार लेकर नाम तेरा, हो गए बब से पार लेकर नाम। बोला हरि नाम संकीर्तन की, बोला श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए भगवान का नाम में बड़ा ताकत है। कहते बड़े से बड़े पाप भी हरि का नाम लेने से सारे पाप से हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करना बताओ, हरि की नाम को जप करा करो, ठीक है। इसलिए भगवान की जो चौथा बता रहे और नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम पर तपस्या कर रहे हैं। बोले भैया तपस्या तो हमें करनी चाहिए, फिर ठाकुर जी क्यों तपस्या करते हैं? बोले कारण है, एक समय श्री नारद इसी मरते जगत में आए और सबको पास में जा जा करके पूछा, सब ठीक ठाक हो? सबके सब अपना सिर हिलाया, लेकिन जब अंदर की बात पूछा है ना, देखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। सब दुखी देखा, पहुंचे वैकुंठ में, देखा भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही हैं और सारे देवता लोग शांतागारम भुजग शयनम स्तुति कर रहे हैं और भगवान मीठी मीठी मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु दुनिया को आपने सृष्टि कर दिया, दुनिया में हर घर घर में गया, किसी को भी सुखी नहीं देखा, सब दुखी दुखी। आप तो बैकुंठ में अपना लक्ष्मी को लेकर बड़ा आनंद ले रहे हो। बोले प्रभु बड़ा व्यक्ति जो करेगा ना, दुनिया वही करेगा। बोले नारद जी सीधा सीधा बोलो, घुमा घुमा कर क्यों बोलते हो? बोले प्रभु जगत का मालिक आप ही हो, अगर अपना दिन भर ये लक्ष्मी को पड़े रहोगे लेकर के, दुनिया क्या बोलेगा? जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े रहते हैं, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी दिन भर पड़े रहेंगे। बोले बताना क्या चाहते हो? बोले प्रभु हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी घर में शांति सुख नहीं मिला, केवल वहां पर विभीषण ही सुखी थे और पूरा के पूरा लंका प्रभु ने ध्वंस कर दिया। इसलिए प्रभु अगर कोई आपकी भक्ति करे तभी वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए? बोले प्रभु, ए बच्चा ए खड़े हो, उधर जा, जा उधर जा, ए तीनों तीनों जा, जा उधर, जा उधर। इसलिए जब आप भक्ति करोगे तब से आपसे तो सीखेंगे नहीं, भैया प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। भगवान देखा कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए भजन करने के लिए, भ्रमण करते 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 बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ इतना सुंदर स्थान, कोई गए हो बद्रीनाथ? कौन कौन गए हो? कोई नहीं गए, कौन जाना चाहते हो बताओ? सबको ले जाएंगे, सबका हम ले जाएंगे एक बार, हैं? जाओगे सबके सब? देखो इधर ध्यान देकर सुनो, अगर तुम बद्रीनाथ जाओगे ना, पहले तो पैसा खर्चा होगा, 10-11 दिन लगेगा। अगर गाड़ी में जाओ कंटिन्यू 10-11-12 दिन में किसी तरह से कंटिन्यू जाओगे तो घूम घाम कराना पड़ेगा, हैं? लेकिन आपको हम एक दिन में लेकर के एक दिन में वापस ले आएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, हरि की पौड़ी, सब एक दिन में घुमा करके ले आएंगे, हैं? ज्यादा पैसा नहीं, बहुत कम पैसा में ले जाएंगे, कौन जाएगा बताओ? एक दिन में आपको घुमा देंगे। हाँ देखो सुन लो, कैसे एक दिन में घुमाओगे? हाँ ध्यान देख रहे सुनो, जब भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, ध्यान देख रहे सुनो, जब भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने मनोती रखा था, मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए तो मैं सारे तीर्थ हम जाएंगे। अभी घर में कृष्ण जन्म हो गए, जब कृष्ण थोड़ी सी बड़े हुए, एक दिन देखा सारे ब्रज बाबा, नंद बाबा, जसोदा मैया, सारे तीर्थ जाने के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जाने के लिए तैयारी।
बोले बाबा कहाँ जाओगे? बोले लाला तू जन्म लेने से पहले मैंने मनौती रखा था, अगर घर में बेटा हो जाएगा तो सारे तीर्थ जाऊंगा, अभी तो जन्म हो गया तेरा, इसलिए हम चाहते सारे तीर्थ जाए। कृष्ण बोले बाबा कहाँ जाओगे, सारे तीर्थ ब्रज में ही है। हैं? बोले कहाँ पर? बोले काम्य वन में, सारे तीर्थ काम्य वन में। बाबा बाबा बेटा जब बड़ा हो जाता है उसका कर्तव्य है पिता माता को, जैसे श्रवण कुमार नाम सुने कि नहीं, श्रवण कुमार कंधे पर रख करके पिता माता को सारे तीर्थ कराया, मैं भी आपको सारे तीर्थ कराऊंगा, आओ मेरे साथ में। उनको लेकर के काम्य वन में गए, ब्रज में एक स्थान काम्य वन, वहीं पर लेकर के बोले सबके सब आंख बंद कर दो, आंख बंद करके सारे तीर्थ को याद करो। जब आंख बंद करके सारे तीर्थ को याद किया, बोले आंख खोलो, आंख खोला तो देखा पृथ्वी का सारे तीर्थ ही भरा गया, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जम लक्ष्मण झूला सारे तीर्थ आ गए। फिर कृष्ण ने सबको सारे तीर्थ घुमाया और उन्होंने लेकर के आ गए। इसलिए काम्य वन में सारे तीर्थ हैं, वहां स्पष्ट रूप में देखेगा, जैसे बद्रीनाथ में नर नारायण पर्वत देखोगे वहां भी नर नारायण पर्वत है, वहां पर देखोगे गंगा जमुना सरस्वती देव सरोवर देखोगे, वहां पर गणेश जी के दर्शन मिलेगा, लक्ष्मण झूला हरि की पौड़ी सब एक दिन में ही सब दर्शन हो जाएगा। कौन कौन जाएगा बोलो, कौन कौन जाएगा? हाँ हमारे जदुनंदन प्रभु है यहाँ पर, हाँ एक समय इन्होंने आपको ले जाएंगे, सवेरे आप जाना यहाँ से, सवेरे जाना, सवेरे जाकर के शाम को घूम करके फिर यहीं पर आ जाओगे। जदुनंदन प्रभु करके कितना पैसा में ये केदारनाथ बद्रीनाथ जो काम्य वन में कितना पैसा में हो जाएगा? हाँ एक एक हजार, देखिए जो दूर में है ना वहां पर तो 10-15 हजार 20 हजार से, लेकिन यहाँ पर 1000 में खाना पीना सोना घूमना, आपको एक दिन में ही ये सब कुछ घूम घाम करके यहाँ से जाओगे तो 1000 से भी कम पैसा में भी हो सकती है। ठीक है, सबके सब एक बार नियम है जीवन रहते रहते, देखो हम कितने भाग्यवान जो भारत में जन्म हुए हैं, हैं? कहीं विदेश में ये तीर्थ कहीं विदेश में नहीं है, केवल ये भारत में ही ये सारे तीर्थ है, इसलिए एक बार आप लोगों ने इनको साथ में घूमाना। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ठाकुर जी बद्रीनाथ में जाकर के ठाकुर जी देखा बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, उन्होंने यहीं पर भजन किया। जब भजन किया इतने में लक्ष्मी देखा प्रभु कहाँ चले गए, अभी आए नहीं। एक दिन लक्ष्मी घूमते घूमते आई, देखा प्रभु जी धूप में बैठ कर कठोर तपस्या कर रहे हैं। इतने में माँ लक्ष्मी एक बेर एक बद्री वृक्ष बन करके ठाकुर जी के ऊपर में छाया करने लग गई। इतने में ठाकुर जी ने देखा अभी तो गर्मी गर्मी हवा आ रही थी, गर्मी लग रही थी, अभी ठंडी ठंडी हवा, ये छाया कहाँ से आ गया? इतने में भगवान जो ऊपर झांक करके देखा माँ लक्ष्मी स्वयं ये बद्री वृक्ष रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया बद्री नारायण। जैसे लक्ष्मी नारायण सीता राम राधे श्याम, उसी तरह बद्री नारायण मतलब होता है ये बद्री माँ लक्ष्मी स्वयं ये नारायण भगवान के वरदान है। उन्होंने देखा कलिजुग का जीव इतने कठोर तपस्या कर ही नहीं सकते हैं, अगर कष्ट करके एक बार कोई बद्रीनाथ में आए, अरे मेरा दर्शन मात्र कर ले, मेरा दर्शन मात्र से ही मैं जो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, दर्शन मात्र से ही ये तपस्या का जो छठवां भाग का फल उसको उसी समय में ही प्राप्त हो जाएगी, उसी समय में ही प्राप्त हो जाएगी। नियम है जो जीवन में ये चार धाम कर लेना कभी उसका फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले पहले लोगों को पूछ लो, जब पहले चार धाम करने जाते थे इतना परिश्रम था, घर से निकलने से पहले बोल देते थे लगता है हम वापस नहीं आएंगे, हमारे नाम पर श्राद्ध क्रिया कर लेना, हमारे नाम पर श्राद्ध क्रिया कर लेना, क्योंकि इतना बिहार जंगल था। लेकिन अभी तो बहुत सुविधा हो गया, गाड़ी में जाकर के गाड़ी में चले आओ, और वृंदावन में तो एक दिन में जाकर के एक दिन में चले आओगे, सारे तीर्थ हो जाएगा। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब श्री सुतो गोस्वामी सारे अवतारों का नाम ले रहे थे,
बोलते बोलते उन्होंने बोल दिया, देखो ये जो कृष्ण है ना, ये भी एक अवतार है। इतना बोलते ही सुतो गोस्वामी तो डर गए, बोले मैं तो गड़बड़ी कर दी। बोले क्या गड़बड़ी की? मैंने बांके बिहारी जी को भी एक अवतार बोल दिया, लेकिन जो बांके बिहारी ने ये अवतार नहीं है। बोले ये कौन? बोले ये अवतारी। अवतारी मतलब क्या? जिनसे ये सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए कृष्णा अब किसको किसके घर में लड्डू गोपाल है, घर में है ना? हाँ देखो, देखने में तुम्हारी घर में लड्डू गोपाल छोटे दिखते हैं, भैया ये छोटे नहीं, बड़े खोटे भी है, बड़े खोटे भी है। इसलिए पितामह ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रहम अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कदी जो कृष्ण चंद्र हैं, जितने सारे कारणों का जो मूल कारण है, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। जब हम कृष्ण को पूजा करते हैं, सभी का पूजा हो जाता है। देखो मेरे तरफ में देखो, ध्यान देकर इतनी सी बात समझो। अब महाभारत देखे होंगे, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, ये आत्मीय सज्जन को मार करके परिवार को खून से सने हुए राज्य मेरे को नहीं चाहिए, हम बल्कि भिक्षा मांग करके खा लेंगे। उस समय कृष्ण ने क्या किया? विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूं, जिसको तुम शंकर कहते हो। ध्यान देख रहे सुना, ए सब गोपियां इधर देखो, इतनी सी बात समझ करके जाओ। हमारे जो हिंदू लोग है ना, बहुत ज्यादा भटकते हुए हैं, बहुत ज्यादा भक्त। देखो कृष्ण क्या समझाते हैं, बोले हे अर्जुन जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो, देखो ब्रह्मा मेरे में। जिसको तुम शंकर कहते हो, देखो शंकर मेरे में। जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो, देखो ये सबके सब मेरे में। जिसको तुम हनुमान गणेश कहते हो, देखो ये सब के सब मेरे अंदर में विद्यमान। हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं। समस्त जगत का जो मूल का जो मूल कारण है कौन है? बोले मैं हूं। इसलिए दो उदाहरण दिया। कितना उदाहरण दिया? अरे बोलो जोर से। हाँ इसको दिमाग में बैठाओ। पहला उदाहरण दिया, जैसे एक वृक्ष का जड़ में अगर पानी दे दो ना, अब देखना फिर वृक्ष का पत्ते में फल फूल में पानी देने का कोई जरूरत नहीं। अगर जड़ में पानी दे दिया तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर उसका पत्ते फल फूल में पानी दे, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? तुमने कहीं पानी नहीं दिया, जड़ में दे दिया, पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो, रहेगा ना। दूसरा उदाहरण दिया, हम भोजन कहाँ देते हैं? अपना मुंह में। अगर मुंह में भोजन दो, देखना तुम्हारी आंख भी काम करेगी, हाथ भी काम करेगी, पैर भी काम करेगी। अगर कोई बोले क्यों आंख में देखते हैं ना, थोड़ा डाल आंख में डाल दो। बोले कान में सुनते हैं, थोड़ा रोटी उसमें है, थोड़ी रोटी दे दो। बोले हाथ में काम करते ना, फाड़ करो थोड़ा चावल दे दो। ऐसे कोई करते है क्या? भोजन कहाँ देते हैं? मुंह में। जैसे मुंह में भोजन देने से सारे इंद्रिया तुम्हारी एकदम सारे काम करता है, उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करते हैं, क्योंकि कृष्ण के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। मेरे तरफ में देखो, कृष्ण के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। हम जब कृष्ण भक्ति करते हैं, सबका भक्ति अपने आप हो जाता है, सबका भक्ति अपने आप हो जाता है। फिर हमको दर दर भटकने का जरूरत नहीं, यहाँ करो वहां पूजा करो, यहाँ पूजा करो। 33 करोड़ देवता भैया, जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने देवता हैं? अगर दिन में अगर 1 करोड़ को पूजा करते हो ना, महीना में 30 करोड़ हो गया, फिर 3 करोड़ बाकी रह गया कि नहीं? आज इसको मनाओ तो कल दूसरे मुंह फुला कर बैठेगा, तुम दूसरों को बनाओ तो तीसरा मुंह फुला कर बैठेगा। आप बताओ कितने को मनाते रहोगे? इसलिए कहते ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको ऊपर में हरि की कृपा हो जाता है, उसको ऊपर में सभी का कृपा उसको ऊपर में अपने आप हो जाता है। हमको अलग 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 रूप में इधर उधर देवा देवी को पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? देखो सबका आदर दो, सबको आदर दो, लेकिन हृदय में किसको बैठाओ? जैसे मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला, अरे बोलो जोर से। हाँ ये चीज को समझा करो,
इसलिए जैसे गोपियों के पास में जब उद्धव जी गए और उद्धव जी उनको ध्यान की बात बताई, उद्धव जी क्या कहते, गोपियां क्या कहती हैं, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध, इस मन थोड़ी दस बीस है, मन तो एक ही मन है ना, मन तो दीस बस नहीं, जिसको हृदय में बैठाएंगे एक को बैठाएंगे। बताओ पति कितने होते हैं, अरे बोल रहे पति कितने होते हैं, एक ही होते हैं ना, हाँ। इसलिए उसी तरह हमारे जो इष्ट हैं वो एक होनी चाहिए, इष्ट बहु नहीं होनी चाहिए। आप बताओ हनुमान जी का इष्ट कौन थे, राम। तुलसीदास का इष्ट कौन थे, मीरा की इष्ट कौन थे, सूरदास का इष्ट कौन थे, कृष्णा। और कहते श्री मीरा की इष्ट कृष्ण थे ना, इसलिए कहते इष्ट कभी बहुत नहीं होते हैं, इष्ट एक इष्ट होनी चाहिए। जो बहु इष्ट हैं भैया उनको कभी सिद्धि हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन और एक उदाहरण देकर समझा, जैसे घर में जब एक बहू आती है उसका जेठ भी है, देवर भी है, ननद भी है, सास भी है, उसको सम्मान देती है, सबको सम्मान देती है। आप बताओ हृदय में किसको बैठाती है, अरे तुम बोल दो कि हृदय में किसको बैठा कर रखती हो, पति को है ना। अगर सास में ससुर में लड़ाई हो जाए किसको लेकर के अकेले हो जाते हो, पति को लेकर के, हाँ। इसलिए जो इष्ट है हमारी सबको सम्मान करो, लेकिन हृदय में किसको बैठा हो, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, ठीक है ना। हाँ एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से बोलो हरे राम राम राम, एक बार और जोर से बोलो, और एक बार जोर से जैसे छत उड़ जाए, एक भजन गा लो, लाल की माइक दे दो, माइक दे दो, मोटे मोटे नैनन के तुम हो, मीठे मीठे सावरी सरोरी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे दे।
उनका प्रश्न है, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, किसी व्यक्ति को बोलो भैया कथा सुनने के लिए आ जाओ, बोले भैया हमारे पास में समय नहीं। अगर किसको छोटी मोटी कोई काम हो, लेकिन उसी समय में ये परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में ही राज्य तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके 7 दिन तक उन्होंने आकर के कथा सुने। क्यों सुने? और सुखदेव गोस्वामी कैसे, वो ऐसे संत हैं, एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगता है उससे ज्यादा समय भी कहीं टिकने वाले नहीं, रमते जोगी बहते पानी। लेकिन वो 7 दिन तक तो उन्होंने, 16 साल तक तो उन्होंने मुंह ही नहीं खोले, लेकिन एक बार जो मुंह खोले ना, 7 दिन तक तो मुंह ही बंद नहीं किया। इसलिए आप कृपा करके इस सारे बात बताओ, मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा। तब श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, जब कृष्ण द्वारका में रहा कर, जब कृष्ण हस्तिनापुर में रहते थे, पंच पांडवों को साथ में रहते थे, कृष्ण जब जब घर से जाने के लिए कोशिश करते थे, क्योंकि अभी महाभारत युद्ध हो चुका है, सबके सब कुरु वंश ध्वंस हो गए, अभी युधिष्ठिर महाराज अभी राज सिंहासन पर बैठ गए, माँ कुंती राजमाता बन गई और द्रौपदी बन गई, राज रानी बन गई। जब कृष्ण जब जब जाने के लिए तैयारी होते थे, ये पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। इतने में बोलते थे, प्रभु जब हमारी जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, जब जब आपको याद किया तब तब आपने रक्षा किया है, उस समय तो हम लोगों को विपत्ति से रक्षा किया, अभी तो संपत्ति आ गया, उस दिन घर में रहो हमारी सेवा ले लो। कृष्ण कुछ दिन रुक जाते थे, फिर जब जाने के लिए तैयारी होते थे, फिर युधिष्ठिर महाराज कहते थे, प्रभु कुछ दिन रुक जाओ। फिर जब जाने के लिए तैयारी होते थे, भीम आ जाता, बोले क्या बड़े भैया की बात सुनेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, रुक जा। फिर रुक जाते थे, फिर जब जाने के लिए तैयारी, फिर अर्जुन आता था, बोले प्रभु क्या भीम
की के लिए रुकोगे, मेरे लिए नहीं रुकोगे। कृष्ण को किसी तरह से घर से निकलने नहीं देते थे। एक दिन कृष्ण बोले मेरे को जाना ही पड़ेगा, मेरे को ये द्वारका तुम्हारी राज्य है, जाना ही पड़ेगा। इतने में मैया कुंती आकर के ठाकुर जी को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करती हैं। बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रह। बोले ठाकुर भगवान की शरीर में 8 कमल है। कितना कमल है, क्या किया सुन लो, 2 हस्त कमल, 2 नेत्र कमल, 2 चरण कमल, 1 मुख कमल और 1 नाभि कमल। कितना हो गया, ये 8 कमल है। भगवान के सारे अंगों को कमलों को साथ में क्यों उदाहरण दिया। कमल जो पुष्प है वो देखने में बड़े प्यारे है, बड़े सुंदर है। उसी तरह हमारे प्रभु कन्या देखने में भी बड़े सुंदर है। इसलिए कहते हैं ना, बांके बिहारी को देखे छटा मेरो मन है गयो लटा। हाँ, इसलिए कृष्ण देखने में बड़े सुंदर। कभी तभी तो गोपियां कृष्ण को ताना भी मारती हैं। बोले नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की। अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया। तू इतने सुंदर, अगर तेरे को है, अगर तू लाली होता है ना, सारा दुनिया में जितने जोधा लोग आपस में तेरे को पाने के लिए सब मर जाते, इतने सुंदर। हमारे ठाकुर जी बोले भूषणांग भूषणांग में कोटि कंदर्प कोटि विशेष शोभम। भगवान अद्भुत सुंदर है। तब माता कुंती कहती हैं, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले कन्हैया तेरे को जो जगत में भक्ति करते बड़ी सौभाग्यवान है, लेकिन उनसे बड़े कौन हैं। बोले वसुदेव महाराज। बोले क्यों। बोले जगतपति जगन्नाथ है, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। दुनिया के पिता तो तुम हो, लेकिन तुम इसी जगत में किसको पिता रूप में वर्ण किया। बोले श्री वसुदेव महाराज को। इसलिए वसुदेव महाराज श्रेष्ठ है। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन। बोले मैया। कहते देवकी। बोले क्यों। कहते जो बच्चा किसकी पेट में 9 महीना रहता है, माँ की पेट में, किसकी गोद में ज्यादा समय बिताती है, माँ की गोद में। इसका मतलब है कहते पिता जिससे माता की सौभाग्य ज्यादा है, इसलिए वसुदेव से भी देवकी का सौभाग्य ज्यादा। लेकिन उनसे ज्यादा कौन सौभाग्यवती। बोले नंद गोप कुमाराय। बोले उनसे सदा सौभाग्य नंद बाबा मैया जसोदा, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हो गए, लेकिन उनको झूला में कौन झुलाया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ठाकुर जी को झुलाया किसने, उत्सव किसने किया, किसकी गोद में जीवन बिताए, किसने उनकी अंगुलू पकड़ करके टुमुक टुमुक करके नचाना दिखाया, किसी ने उनका कान मोल देती थी, मैया जसोदा नंद बाबा। कहते उनसे बड़े कौन है। बोले ब्रज की गोपियां। कृष्ण जिसको साथ में रास रचाया, रास मतलब रस है, जहां पर 70 करोड़ गोपियों को साथ में हमारे ठाकुर जी रासलीला किया है। कहते उनसे श्रेष्ठ ये ब्रज की गोपियां। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है। बोले गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं वो श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए इनका नाम है राधा। राधा मतलब क्या है, जो कृष्ण न आराध्यते इति राधा, कृष्ण समाराधयते इति राधा। विश्व ब्रह्मांड जिनकी पूजा करती हैं बांके बिहारी जी की, लेकिन बांके बिहारी किसकी पूजा करती हैं। बोले श्रीमती राधा रानी के। इसलिए रसखान कहते हैं, वेद में ढूंढ पुराण ने गायन। मैंने उसको वेद में ढूंढा, पुराण में भी ढूंढा, लेकिन वो परम ब्रह्म कहीं नहीं मिले। बोले मिले तो कहां मिले। बोले वृंदावन में। बोले कहां पर। बोले सेवा कुंज में। बोले क्या करते हुए मिले। बोले बैठ पैलोट राधिका पायन, राधा रानी की चरण की सेवा करते हुए मिले। सेवा कुंज गए कि नहीं तुम लोगों ने। हाँ, सेवा कुंज में जहां स्वयं ठाकुर जी राधा जी की चरण की सेवा की थी। इसलिए मैया कुंती यहाँ पर भक्तों का तारतम्य को दिखाते हैं। जगत में अगर कृष्ण के सबसे प्यारे भक्त श्री राधा
रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में जब मैया कुंती स्तुति कर रहे थे ना, इतने में कृष्ण बोले बुआ जी तुताजी उल्टा गंगा बहा रहे हो, मैं तो भातीजा तुम तो मेरी बुआ, नियम मुझे तुम्हें प्रणाम करनी चाहिए। बोले कन्हैया यही तो तेरी माया, विश्व ब्रह्मांड को तुम नचाने वाले हो, अंगुल के ऊपर तुम नचत माया से हैं, लेकिन सारा दुनिया का मालिक तो तू हो, किसको पिता बना दिया, किसको बुआ बना दिया, किसको माता बना दिया, इसी माया के चक्कर में जीव का डाला है। बोले कन्हैया तेरे माया तो देख करके मैं ही मोहित हो गई थी। बोले कब? बोले एक समय ब्रज में तुमने मटकी फोड़ दी, मटकी फोड़ दी तो मैया ने देखा, पहले तो दूसरे दूसरे घर में शिकायत आती थी मक्खन चोरी करता है, आज मेरी ये सास की समय की मटकी, पहले तो पीतल होता ही नहीं, सिल्वर नहीं, सब मिट्टी की होती थी, कितने घी पी 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 कर करके मटकी इतना कटकी, कितना टान हो गया था, कितना मजबूत हो गया था, लेकिन ये मटकी तेने फोड़ दी, आज तो इसको बांध करके मैं रहूंगी। इतने में कृष्ण मैया, कृष्ण को पकड़ने के लिए मैया भगी। बोले भैया जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी अपना मन की ध्यान में भी जो नहीं ला पाते, काल जवन में जिनको स्पर्श नहीं कर पाए, फिर मैया उनको कैसे पकड़ेगी। लेकिन मैया की भक्ति में भगवान वशीभूत होकर के पकड़ में आ गए। जब पकड़ में आ गए इतने में मैया एक हाथ से कान को पकड़ी और एक हाथ से डंडा पकड़ी। बोले बोल ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मैंने थोड़ी फोड़ी। बोले क्या किसने फोड़ी? बोले तू जो दूध रखिया करने के लिए जा रही थी ना, तेरे प्यार में इतने मोटी मोटी कड़ू लेती, उससे टूट गया, मैंने भी थोड़ी टो फोड़ी। बोले बड़ा दुष्ट, खुद फोड़ दिया तो मेरा नाम दे रही है। बोले बता रहा ये बंदर को किसने खिलाया? बोले जिसने बनाया। बोले बड़ी बड़ी बात कहता है। बोले तू बहुत बड़ा चोर है, लेकिन कृष्ण बचपन में सुन रखा था इनकी एक मामा जिसका नाम चोर गोप। बोले मैं तो नंद बाबा साहूकार का बेटा, तेरे घर में कोई चोर गोप होगा, मेरे पापा बाबा के घर में कोई चोर नहीं। लेकिन उसी समय में कृष्ण बोले रुदंतम मुह नेत्र जुगमम मृजंतम। बोले मैया मेरे को मार मत, मैया पहले लकुटी फेंक दे। उसी समय कृष्ण शीशक शीशक करके रो रहे थे और मैया मोटी मोटी काजल लगा दी थी, कृष्ण अपना हाथों से मल रहे थे जैसे गंगा जमुना की झरी बह रही है। बोले कन्हैया उस समय मैं भी वहीं पर थी, लेकिन जिनकी काल से काल का काल भी जो थर थर कांपता है तेरे डर से, लेकिन उसी दिन मैंने देखा तू माँ के डर से कांप रहा था, मैया तू लकुटी को फेंक दे, मैया मेरे को मारे मत। मैं सोच रही थी ये नाटक कर रहा है ना, सचमुच कर रहा है मैंने, लेकिन ध्यान लगा कर देखा ये नाटक नहीं, मैया की डर से कृष्ण थर-थर कांप रहे थे। ऐसे भक्तों की भक्ति। बोले कन्हैया तेरे माया को समझना कोई साधारण बात नहीं। इतने में कृष्ण ने कहा बुआ जी जब तुमने अपना बुआपन को स्थगित कर दिया, आज मैं अपना भातीजापन को भी रोक देता हूँ, बोलो तेरे को क्या चाहिए? आज जो कुछ बर मांगोगे तेरी झोली में भर दूंगा। बोले कन्हैया बोले विपद संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु अगर देना चाहते हो मेरे झोली में तो दुख भर दे। बोले बुआ जी सारा दुनिया कहते सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन की जय जगदी सारे, लेकिन तू दुख क्यों मांगते हो? बोले कन्हैया सुख के माथे सील पड़े जो है हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख को जो पल पल नाम जप जपाई, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे क्या है। आप लोग सही सही बताओ, दुख में ज्यादा प्रभु को याद आता है ना सुख में? है बोलो जोर से, दुख में आती है। इसलिए माता कुंती कहती है हे प्रभु जिसको पास में चार चीज होगा ना तेरे को भूल जाएगा। बोले चार चीज क्या? ध्यान देकर सुनो, माँ कुंती कहती जिसको पास में चार चीज, चार छोड़ दो, जिसको पास में एक चीज भी हो जाए ना तेरे को वजन नहीं करेगा। पहला नंबर पैसा। अब देखना इसलिए आप लोग यहाँ इतने ज्यादा लोग आए हो, आप मीडियम मध्यम भी तक है ना, आप देना ज्यादा पैसा वालों को कहा जुआ घर में बैठे होंगे, कहीं पीते होंगे देखे होंगे हैं, कहीं उल्टा पुल्टा जितना देखोगे उल्टा पुल्टा संगत में उसको बैठे होगे देखोगे, लेकिन हरी कथा में बैठे हुए नहीं देखोगे उनको,
क्यों ज्यादा पैसा है ना, सोचते अरे कथा बता जर सुनने का क्या जरूरत, हमारे घर में किस चीज की थोड़ी कमी है। इसलिए कुंती कहती है प्रभु ज्यादा पैसा वाले तेरे कथा में भक्ति में नहीं आएंगे। हम कभी कभी बड़े बड़े जगह पर कहीं कथा करते हैं, ज्यादा पैसा वाला जाओ भैया घर से निकलना बड़ा कठिन, कथा में वो लोग नहीं आते हैं। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान जो कथा में आए हो, एक बार ताली बजाओ तुम लोगों के लिए जो कथा सुनने के लिए आए हो। कहते पहला नंबर है श्री, दूसरा नंबर है जन्म, जिनको बहुत बड़े उच्चे कुल में जन्म हो जाए उनका अंदर में भी अभिमान आ जाती है। तीसरा नंबर है ज्ञान, अगर थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर देना कहते प्रभु तेरे भजन नहीं करेगा। और जो चौथा चीज है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, श्री मतलब होता है जिसका चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए, देखने में थोड़ा सुंदर हो जाए, बोले प्रभु ये चार व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। हाँ अगर कोई कर रहा है, किसके पास पैसा है ज्ञान है हैं सुंदरता, अगर कोई भक्ति करता है ये समझनी चाहिए उसको ठाकुर जी का बहुत बहुत कृपा, उसको बहुत बहुत कृपा है अगर वो भक्ति करता तो। इसलिए प्रभु मेरी झोली में सुख नहीं दे करके झोली में हमें दुख दे दो। देखो फिर प्रश्न होता है क्या आप लोग यही बोलोगे भैया जो भगवान की भक्ति करते हैं हैं उनके घर में दुख ही दुख ही आए, आपको तो यही लगेगा ना। अगर बोलोगे ठाकुर जी हमें क्या दो दुख दो, इसका मतलब जो भक्ति करते हैं उनके घर में दुख ही दुख ही आए, ये क्या मतलब? बोले नहीं नहीं, कहते सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया, जब तेरे कोई नाम लेते हैं सब दुख उसको दूर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब है बोले ठाकुर जी, बोले हे ठाकुर जी जैसे हर समय में जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो और राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, तुम जिस स्थिति में रखना उसी स्थिति में रख लो, लेकिन जैसे हर समय तेरे में भजन करते रहो, तेरे में भक्ति करते रहो। ठीक है एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी पितामह भीष्म जी सरसज्जा में लेट हुए, सरसज्जा में लेट हुए, इनकी अंतिम इच्छा है ठाकुर जी का नाम लेते लेते, ए बात मत करो, ठाकुर जी का दर्शन करते करते ठाकुर जी का चरण को अपना हृदय में स्मरण करते करते मेरे अंतिम श्वास चली जाए। इतने में ठाकुर जी कुछ ऋषि मुनि लोग आए हुए थे, ठाकुर जी सबको लेकर के श्री पितामह भीष्म के पास में गए। पितामह भीष्म आंख बंद करके ठाकुर जी के चरणों को चिंतन कर रहे थे। इतने में युधिष्ठिर महाराज अपना नाम को लेकर प्रणाम किया, भीम अर्जुन नकुल सहदेव सब प्रणाम किया, वहां पर माँ कुंती और द्रौपदी भी थी। इतने में कृष्ण जब प्रणाम करते हैं अपना परिचय देते हैं, बोले अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम कर रहा है। देखो कहाँ दुनिया की मालिक, लेकिन परिचय क्या देता है, अगर हमारे थोड़ा पैसा हो जाए ना कितने अहंकार आ जाती है, लेकिन दुनिया का मालिक परिचय क्या देते हैं, अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम कर रहा है। इतना बोलते ही पट उन्होंने आँख खोल दिए, क्यों? ठाकुर जी की अंतिम श्वास सोच रहे थे ठाकुर को दर्शन करते करते जाऊं, सामने जिनको याद कर रहे थे, देखा सामने वही खड़े हुए है ठाकुर जी। इतने में पितामह भीष्म ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति किए, बोले हे प्रभु मेरी एक बेटी है जो जवानी है, अभी शादी के लायक तो हो गई लेकिन अभी तक तो उसकी शादी नहीं हुई, मैंने जिंदगी भर कोशिश की मेरी बेटी के लिए कोई उपयुक्त तो कोई पति हो जाए, लेकिन सारा दुनिया मैंने ढूंढा लेकिन उपयुक्त तो पति मिले ही नहीं। इतने में कृष्ण कहते बेटी कैसे हो गया, उनका नाम भीष्म है ना, भीष्म क्यों नाम पड़ा, पहले इनका नाम था प्रियव्रत नाम था है देवव्रत नाम था, लेकिन जब उन्होंने प्रतिज्ञा भीषण प्रतिज्ञा की कभी मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा तभी इनका नाम पड़ गया भीष्म। बोले भैया आप तो अकुमार ब्रह्मचारी बेटी कहां से आ गए,
बोले इति मति रूप कल्पित वितृष्णा, बोले प्रभु मेरी जो बेटी है ना ये मेरी मन है, ये मेरी जो बुद्धि है ना यही मेरी बेटी है, ये उपयुक्त हो गई शादी के। मतलब क्या, जब तक ये मन को मनमोहन में चरण मत लगाओ भैया तब तक जीवन धन्य नहीं होगा। लेकिन जिंदगी भर मैंने ढूंढा, मतलब ये मन को किसको देनी चाहिए, मन सबको मत दो, मन तो केवल श्री कृष्ण कन्हैया को दो, ठाकुर जी को ही मन देनी चाहिए। इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ ये अपना मन को तुम्हारी चरण में लगा दूं, तभी ये मन की। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन मरते समय जम जम व्यापी शरण भाव तेजंत अंत कले वर्म, हे प्रभु अंतिम समय में ये मन जैसे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है उसको ठीक वैसे ही गति मिलती है। इसलिए प्रभु ये मन को अपना चरण में लगा दो, है चरण में लगा दो। लेकिन आप बोलोगे तुम्हारी बेटी कैसे, जैसे शादी से पहले देखते हैं ना ये लड़की ठीक ठाक है कि नहीं, है ये पतिव्रता धर्म है कि नहीं। बोले प्रभु वितृष्णा मेरी बेटी कभी भी शादी करके कोई चीज तुम्हें मांगेगा नहीं, कभी साड़ी कभी तुमको है क्रीम कभी ये मांगेगी नहीं मेरे को दो, ये हर समय तुम्हारी सेवा करते रहेगी, ऐसे मेरी बेटी है। इसलिए हे प्रभु आप सामने खड़े हो जाओ, हमारा मन को अपना चरण में लगाते लगाते आपको नाम को याद याद करते करते ये अंतिम श्वास को मैं त्याग करना चाहता हूँ। ठाकुर जी सामने खड़े उनको स्तुति करते करते बड़े सुंदर, उन्होंने ठाकुर जी को स्तुति करते करते उनने अंतिम श्वास को त्याग किया। जितना देवता लोग देख रहे थे वाह कितने श्रेष्ठ गति, कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आपत नहीं, जतन करने पर भी अंतिम समय में ठाकुर को याद नहीं आता। और ठाकुर सामने खड़े और खड़े उनको याद करते करते प्राण त्याग की, जितने स्वर्ग के देवता लोग को पुष्प की बौछार की, बोले श्री पितामह भीष्म की, जोर से बोलो बोले श्री पितामह भीष्म की, स्वर्ग से उन्होंने पुष्प की उन्होंने बौछार किया, है पुष्प की बौछार किया। इतने में कृष्ण बोल रहे हैं अभी तो मेरे को जाना पड़ेगा, अभी मेरे को जाना पड़ेगा। इतने में कृष्ण ठीक एक प्यार तो रथ को ऊपर रखे, अभी एक प्यार इनकी जमीन के ऊपर में। इतने में पितामह भीष्म कहते श्री कृपाचार्य ने हैं कहते श्री हैं अश्वस्थ माने उनने पांडवों को मारने के लिए जिस समय ये महाभारत युद्ध हुई हैं ये महाभारत युद्ध हुई कहते ये जो महाभारत युद्ध है केवल दो कारण से ये युद्ध हुई है। कितना कारण से, जोर से बोला बताओ क्या क्या दो कारण है। हाँ ध्यान देकर सुन लो, अगर ये दो चीज अगर अपना घर से निकाल देना देखना हमारे घर में कभी महाभारत नहीं होगी, अब देखना नहीं तो भाई भाई में बहू बहू में लड़ाई होती कि नहीं। लेकिन ये वो दो चीज अगर दूर से रख लोगे फिर तुम्हारे घर में कभी युद्ध ही नहीं होगी, कभी महाभारत नहीं होगी। अच्छे तरह से सुन लो दो चीज क्या है। महाभारत का पहला कारण है द्रौपदी दुर्योधन को इतनी सी बात बोल दिया था, अंधा का बेटा अंधा। देख लेना हमारे घर में भी कभी कभी महाभारत हो जाता है, क्यों, सास बहू की नहीं तो बहू सास की हैं, नहीं तो आपस आपस में घर में देख लेना कुछ नहीं हुआ, केवल जीवा थोड़ी सी स्लिप हो गई, कुछ थोड़ी सी तुम्हारी जीवा किसको बोल दी, देख लेना तुम्हारे घर में भी महाभारत। उसने मेरे को ऐसे बोला, मेरे को ऐसे बोले हम प्रतिशोध लेंगे। इसलिए गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी, देखा अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी बैठे है, बताओ किस में हड्डी नहीं, बड़े बुद्धिमान है तुम लोग, कहते जीव में हड्डी नहीं है। इसलिए देखना ये जीव कभी चुप नहीं बैठता है, मैंने देखा कथा में भी कोई आकर के ना पीछे देखता हूँ तब भी यहाँ चुप नहीं बैठे, बिना कारण के पास पास में बात करते जा रहे हैं। इसलिए भैया ये जीवा को कंट्रोल करो, ठीक है ना। और देखो रामायण क्यों, इसी वजह से जीवा, बोले कब रामायण क्यों हुई, जब मारीच ने हिरण बन करके आया, सीता माता बोले प्रभु राम को इसको पकड़ करके ला दो, पहले तो पकड़ कर लाओ नहीं तो उसे मार करके ले आओ, उसका जो चमड़ा को कम से कम ले जाएंगे हैं। इतने में राम गए उसको पीछे, जब पीछे राम गए लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण ये जंगल है, कभी भी ये
हैं, राक्षस लोग आकर के सीता के ऊपर कोई आक्रमण कर सकते, कहीं जाना नहीं। बोले भैया कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब राम को उसने बड़ी दूर तक ले गया, जब भगवान राम पकड़ नहीं पाए, बाण मारे, इतने में जोर से उसने पुकारा, भैया लक्ष्मण। सीता बोले सुने हो, राम को पर कोई विपत्ति पड़ी, लक्ष्मण को बताए राम को पर कोई विपत्ति नहीं आ सकते, भगवान है। बोले जाओ भैया को रक्षा करने के लिए जाओ। बोले नहीं भैया, मेरे को बोल करके गए आपको रखने के लिए, मैं नहीं जा सकता हूं। मैया सीता इतनी सी बोल दी, मैं समझ गई हूं तू साथ में क्यों आया था। ओ सोच रहे हो राम मर जाएगा तो तुम मेरे से शादी करोगे। बोले देखो, जो माता सीता की कभी चरण की बगर कभी ऊपर सर नहीं उठाया, जिनको माँ मानते था, अगर माँ ऐसे बोले क्या होगा। लक्ष्मण बोले देखो, जीवन में मैं पहला बार प्रभु राम का आदेश को उल्लंघन कर रहा हूं। एक काम करियो, मैंने ये लक्ष्मण रेखा को मैं काट करके जा रहा हूं, इसको कभी पार नहीं करना। बोले कोई चिंता मत करो। रावण आया, सीता ने क्या किया, पहले तो जीवा को चलाया, उसको बाद में लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार किया। फिर पार किया तो क्या हुआ, रावण उठा करके ले गया, सारे रामायण हो गया। देखो यहाँ पर माताओं को शिक्षा देते हैं। देखो जो लड़कियां हैं, जो शादीशुदा हो गया तो अच्छी बात है, जो लड़कियां हैं इनको शिक्षा दे रहे हैं, कभी भी अपना मर्यादा को उल्लंघन मत करो, नहीं तो रावण ही उठा करके ले जाएगा तुमको। फिर बोले कि रावण तो त्रेता युग में था ना, रावण, बोले रावण तो त्रेता युग में एक था, अभी घर घर में गली गली में रावण है। अभी रावण गली गली में रावण घूम रहे हैं। इसलिए जो जो लड़कियां है ना, आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज पेपर में देखा था, श्रद्धा नाम का लड़की को किसी मुसलमान लड़का ने भगा करके लेकर गया, सुने कि नहीं, उसको टुकड़ो टुकड़ो बोटी बट कर काट करके फ्रिज में रख दिया था। इसलिए प्रेम करने से पहले सोचो किसको साथ में तुम प्रेम कर रहे हो, हजार बार सोच करके करो, नहीं तो दुर्दशा तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, हैं? तुम्हें ही दुर्दशा भोगना पड़ेगा। इसलिए दूसरी चीज है, ये जिह्वा को कभी मत चलाए करो। अरे हमारे संजय प्रभु बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। बोले एक समय सास बहु में खूब लड़ाई होता है, इतने लड़ाई लास्ट में लड़ते लड़ते इतने में बहू अपना ससुर अपना पीहर चली गई। बोले और घर में कभी नहीं जाऊंगी। एक दिन एक संतों के पास में गई, बोले बाबा सास को साथ में खूब लड़ाई, खूब लड़ाई, अभी कुछ उपाय बता दो। बोले देख, एक महीना में तेरे सास तेरा अधीन हो जाएगा। हर बहू तो ही चाहती ना, घर में जाते ही सारी चाबी काठी हमें मिल जाए, सारे पैसा हमें मिल जाए। बोले एक महीना में सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बोले आ जाएगी। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले मैं तुमको केवल 30 दिन के लिए पुड़िया देता हूँ, जितने बहू ये सुन लो और सास भी सुन लो अच्छे तरह से। कहते 30 दिन में तेरी सास पूरा तुम्हारी अधीन बन जाएगी, तुमको केवल 30 पुड़िया देता हूँ, जब लड़ाई होगा ना एक पुड़िया अपना मुंह में डाल देना। वो पाउडर से था, डालते ही मुंह बंद हो जाएगा। लड़ाई कब होता है? जब सांस एक बोले बहुत 30-10 सुना दे, फिर सांस 20 सुना दे, तभी तो लड़ाई होता है ना। इतने में सांस बहु में जब लड़ाई हुई ना, बास बाबा का दिया हुआ पाउडर मुंह में डाल दिया तो मुंह बंद, सांस बोलते जाए। ताली दो हाथ में बजती है ना, एक हाथ में थोड़ी बजती है, ताली दो हाथ में बजती है। सांस तो बोलते 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 थक गई, लेकिन ये बहू को मुंह से एक बोली भी नहीं निकला। सास बोली ये चंडी को पिशाची को क्या हो गया, पहले इसको एक बोलती थी 10 सुनाती थी, ये आज तो चुप कैसे हो गई। पहला दिन ही गया कुछ बोली नहीं, दूसरे दिन जब फिर झगड़ा हुई ना, फिर एक पुड़िया डाल दिया। आज सास बोलते जाए, बहू को मुझसे कोई बात नहीं निकले। अब देख लेना, जब बहू ये एकत्रित होती है ना, क्या करती है, कौन सास किसको क्या बोला वही से बात होती है। लेकिन जब कुछ बहु एकत्रित होते हैं, सब बहु तो बोलती हैं, मेरे सास के साथ में ये हुआ, सास ये बोली, लेकिन ये चुप कुछ बोलती नहीं। बोली ये तो रोज बोलती थी, चुप कैसे हो गए, क्यों? सास बोलते 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 बहु सुन लेती है, कुछ बोलती नहीं। जब 10 दिन गया ना, सास समझ गई मेरी बहू बदल गई है। बोले देख बहू, जो दूध का पैसा तू दे, सब्जी का पैसा तू दे, ले ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले, घर का सारे काम को तुम संभालो, सारे काम तुम संभालो। अरे जोर से ताली हो जा।
देखो ए, 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 एक मंत्र को यहाँ से लेकर के जाओ, ठीक है ना। इतने में 10 दिन के बाद में वो बाबा को पास में आई, वो बोले बाबा आप तो बोल रहे थे 1 महीना में तेरे सांस तुम्हारी कंट्रोल आ जाएगी, सारे घर का चाबी काठी। 1 महीना नहीं 10 दिन में मेरा घर शांति हो गया है, मेरे घर में शांति वातावरण आ गई। बाबा तुमने ऐसे कौन सा मंत्र दिया था? बोले कोई मंत्र नहीं दिया, जितने लड़ाई झगड़ा कारण ये जुआ। द्रौपदी केवल इतनी सी बात बोल दी थी, अंधा का बेटा अंधा, इसी कारण से महाभारत हमारे घर में भी देखना, इसी कारण से महाभारत होती है। अगर केवल हम जिह्वा को कंट्रोल कर ले हैं, इसलिए रूप गोस्वामी कहते बाच बेगम अपना वाणी को बेग को कंट्रोल कर लो, देखना सब कुछ तुम्हारी घर में शांति सुख आ जाएगी, सारे शांति सुख आ जाएगी। बोले बाबा 10 दिन में सब कुछ हो गया, ले ये 20 पुड़िया तुम वापस ले ले, और किसको भी देना, और किसका घर भी सुधर जाए, और किसके घर भी सुधर जाए। इसलिए यहाँ पर महाभारत का पहला कारण। दूसरा कारण क्या, दुर्योधन चाहता था सारे संपत्ति मेरे को मिल जाए, सारे संपत्ति मुझे मिल जाए, ये दूसरा कारण था। कभी कभी देखना हमारे भाई भाई भी यही लड़ाई है, जो बड़े भाई सोचता है सारे संपत्ति, कोई भाई सोचता है संपत्ति सब मेरे को मिल जाए पिताजी की। आप देखना घर घर में यही चीज है, घर घर में यही चीज है और कोई चीज नहीं है, सारे संपत्ति मुझको मिला जाए। भाई अगर ये 2 चीज दूर हो जाएगा ना, तुम्हारे घर भी अयोध्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोध्या मतलब जहां पर कभी युद्ध नहीं होते, राम जैसे बेटा, सीता जैसे बहू, नाती पोती लव कुश जैसे हो जाए ना, देखना हमारा घर भी अयोध्या, हमारी घर भी अवध हो जाएगा। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो बहू में तो कुछ दूस, लेकिन सांस में भी दूस है। सांस मतलब जानते हो 2 अर्थ सांस होता है, जो बहू को श्वास लेने नहीं दे ये भी सांस है, बा बहू को जो आश्वासन दे वो सांस है। इसलिए बहू क्यों घर में कभी कभी लड़ाई होता है, जो सास है अपना बेटी को तो ज्यादा ध्यान देती है, देखना छुपा छुपा करके बेटी के लिए सब भेज दे जाएगी, कपड़ा लता सब भेज रहे, लेकिन बहू के लिए नहीं, बहू के लिए नहीं। अरे अगर तुम जैसे तुम अपना, अगर कभी तुम नाना नानी बनोगे, किसकी वजह से तुम्हारी कुल रहेगी? बहू की वजह से तुम्हारी कुल चलेगी ना, बेटी की वजह से चलेगी? बताओ, अरे बोल दो, बहू की वजह से तुम्हारी परंपरा चलेगी, बेटी की वजह से नहीं। जैसे तुम अपना बेटी को छुपा छुपा करके देती हो, अगर कभी तुम बहू के लिए भी सुंदर साड़ी ले आओ, कभी गोलगप्पे ले आओ, कभी दही बड़ा लेकर के आ जाओ, हैं बढ़िया बढ़िया चीज आ जाओ, फिर क्या है? कमी यही है, अपना बहू को बहू नहीं अपना बेटी माननी चाहिए, और जितने बहू है ना, सास को सास नहीं अपना माँ मान लो, बस लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म हो जाएगी। एक समय एक बूढ़ी है, एक बूढ़ी एक व्यक्ति को पास में गई, इतना अपना बहू की निंदा कर रही थी, बोले घर में पढ़ नहीं सकी ये चंडालिनी, घर में आकर पढ़ना शुरू कर दी, कि अपना घर में पढ़ कर नहीं आ सकती थी और आकर के अपना ससुर घर में पढ़ाई कर रहा है। वो बहुत बहुत बोली, इतने में बोली भैया बताओ तुम्हारी बेटी कैसे? बोले हमारे बेटी को बहुत बढ़िया घर मिला। बोले कैसे घर मिला? बोले इतने सुंदर घर मिला, बस सवेरे सवेरे इसका जो पति है ना, बिस्तरा से उठने से पहले चाय पानी ला करके मेरी बेटी को दे देती है। कि तुम घर में नहीं पढ़ सकी, लेकिन हमारे घर में जितने पढ़ सकती हो उतना पैसा मैं लगाऊंगा, उतना पैसा भी लगूंगा, और कभी कभी आटा भी मल देती है, कभी कभी आटा भी लगा देती है, इतना सुख जो बता नहीं सकती मेरे बेटी में। और जब तुम्हारी बेटी जाकर के इतने बढ़िया से, फिर किसकी बेटी को तुम्हें ऐसे क्या नहीं रख सकती, ठीक है ना। इसलिए अपना बहू को क्या समझनी चाहिए, बहू नहीं क्या समझो, देखना घर का सारे सारे महाभारत जीवन का खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जिस समय श्री अभी अस्वस्थ माने, जब अंतिम युद्ध हुआ महाभारत युद्ध कुरु पांडव में भीम और दुर्योधन में हुआ, इतने में भीम से ने दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया इतने में अस्वस्थ आया, बोले बताओ मालिक तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले आश्चर्य की बात है, हम पांच के पांच भाइयों को बाल तक भी बंका नहीं हुई, लेकिन
हम 100 के 100 भाई मारा गए। यही आश्चर्य चीज है। बोले क्यों ऐसे हुआ? बोले ठीक महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने पंच पांडव को लेकर के आई। बोले कन्हैया ये मेरे 5 बच्चों को मैं तेरे को दे रहा हूं, तू मेरे बच्चों को रक्षा करना। बोले बुआ कोई चिंता मत करो, ये विश्व ब्रह्मांड अगर प्रलय हो जाएगी तो कितना जा के रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई। ठाकुर के शरण में थे ना, हैं ठाकुर जी की शरण में थे। इतने में बोले बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा किया। बोले मेरी अंतिम एक इच्छा है, पंच पांडव का एक का मृत्यु अगर मैं देख लू ना मैं चैन से प्राण त्याग करूंगा। इतने में अश्वस्थमा को खून से उनने तिलक लगा दिए। अश्वस्थमा जब गए, कृष्ण को पता था आज अश्वस्थमा आएगा, पंच पांडव को लेकर को चले गए और कहीं चले गए। और द्रौपदी को साथ में पांडव का 5 बेटे सोए हुए थे। भीम का जो बेटे देखने में भीम जैसे था, अर्जुन का बेटे अर्जुन जैसे, सबका बेटे उनको जैसे था। उसने रात को पता नहीं चला, सोचा ये पंच पांडव है, बस उनके गले को काट करके ले आया। बोले दुर्योधन तुम जिंदगी भर जो काम नहीं कर पाया मैं एक दिन में सारे काम कर दिया। बोले क्या किया? बोले तू बोल रहा था ना एक का मृत्यु, मैं 5 को 5 को मार करके गला काट करके ले आए। दुर्योधन को वरदान था तभी मरेगा, हर्ष और शोक दोनों अवस्था। जब उसने सुना पंच पांडवों का 5 सर काट दिया, जिंदगी भर जिसके लिए हम मर गए लेकिन 5 इतने प्रसन्न हुआ। बोले भीम का सर दे दो, क्योंकि अकेला हमारी 100 भाई को भीम मारने वाले। जब भीम का सर दिया, दुर्योधन तो क्रोध में था, दबाया जोर से, दबाते ही एकदम चकनाचूर हो गया। बोले लगता है ये भीम का सर नहीं, क्योंकि मैंने कितने गदा प्रहार की, इतना सत्य था उसका सर, टस से मस्तक भी नहीं हुआ। हाथ दबाते ही ये कैसे पीस गया कैसे। इतने में बिजली चमकी तो देखा भीम का सिर नहीं, उसका बेटा का सर है। इतना दुखी हो गया, इतने दुखी हो गया। बोले अश्वस्थमा तू मेरी वंश को ध्वंस कर दिया, हमारी बैर पंच पांडव से थे, उनको बच्चे से नहीं थे, क्योंकि मेरे सारे बच्चे मारा गए हैं। हम तो एक ही भाई का बच्चे है ना, हम मरने के बाद हमें पिंड कौन देगा? अभी पिंड देने के लिए कोई भी नहीं रह गए। उनको 5 बच्चों को तुमने मार दिया, भाग जाओ यहां से। उसको जब पता था अर्जुन अभी जिंदा है और अर्जुन का पराक्रम वो जानता है, वहां से भगा उसने। लेकिन इस सवेरे फिर कृष्ण अर्जुन जा करके जैसे कि जानवर को पकड़ते हैं, उसको पकड़ कर घिसड़ते हुए ले आए। लेकिन द्रौपदी तो द्रौपदी है ना, वो संत है, कितना संत हृदय नव नीत समाना। बोले इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये मेरी गुरु पुत्र है, ये गुरु पुत्र है। मेरे को पता है बेटा मरने पर माँ को कितने कष्ट होता है, मेरे को पता है। ये भी कृपा कृपी का एक ही बेटा है, इनका पिता तुम्हारी गुरु है। अगर इसको अगर मर जाएगा तो इसका माता भी दुखी होएगी, पिता भी दुखी होएगा, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, बोले छोड़ दो, ये दुष्ट सोए हुए बच्चों को मार करके आदत आई है, इसको छोड़नी नहीं चाहिए। भीम तो गदा लग रहे, टूट पड़ा उसको मारने के लिए। कृष्ण का 4 हाथ बड़े दिनों में आए, दोनों हाथ से द्रौपदी को पीठ पर थपथपाए और दोनों हाथ से भीमसेन को रोका। इतने में अर्जुन को बोला अर्जुन नियम है ब्राह्मण जितने बड़े अपराधी क्यों नहीं हो, क्योंकि जो ब्राह्मण है भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ जो सृष्टि ब्राह्मण है। वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, वर्ण में ब्राह्मण गुरु है। नम ब्राह्मण देवाय, भगवान ब्राह्मण की पूजा करते हैं। ब्राह्मण जितने बड़े क्यों अपराधी नहीं हो, कभी उनको मारनी नहीं चाहिए। अभी तुम ऐसे काम करो जो दोनों काम हो जाए, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा की थी उसका गला काट करके ला दोगे सर को, अभी दोनों काम हो सके ऐसे करो। बोले जो मानी व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के बराबर, उसका एक मणि था, मणि को छीन लिए और सर को मुड़ा करके 4-5 चोटी रख करके धक्का देकर घर से निकाल दिया। कहते जो दुष्ट है ना वो कभी अपना दुष्टता को नहीं छोड़ता है, सोचा पंच पांडव का वंश ही ध्वंस कर दूंगा। एक साथ में उसने 6 ब्रह्मास्त्र चलाया पांडवों के प्रति, 5 और 1 देखा
उत्तरा की गर्भ में फिर परीक्षित महाराज है। अगर ये परीक्षित महाराज खत्म हो जाए ना, पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। इतने में पंच पांडव तो अपना अपना बाण को रक्षा कर लिया, लेकिन जब हाँ कहते जब उत्तरा को तरफ में बाण भगा, उसने भागते भागते आए सीधा कृष्ण के चरण में गिर पड़े। बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन ये पांडव का जो अंतिम संतान अगर मर गया, इनका वंश तो निर्वंश हो जाएगा। फिर उनको पानी देने वाले कौन है, पिंड देने वाले कौन रहेगा। इतने में भगवान कृष्ण गर्भ में प्रवेश करते ही, अब प्रवेश करते करते गदा घुमा घुमा करके उन्होंने रक्षा किया। इसलिए गर्भ में परीक्षित ने कृष्ण को दर्शन दिया था, वो जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहा था, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोले श्री परीक्षित महाराज की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते ये जो कथा है ये भागवत ग्रंथ का जो श्रोता है, बोले इसका वक्ता कौन है, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी। ये भी परम ब्रह्म ज्ञानी थे, वो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए थे, लेकिन श्री व्यास देव ने बड़े सुंदर कृष्ण की महिमा सुना करके, कृष्ण की महिमा को सुना करके उन्होंने उनसे फिर वापस लाए और पूरी भागवत कथा को उन्होंने फिर उनको पढ़ाया है। कहते इसका वक्ता जैसे और इसका श्रोता भी इतना बड़ा है, वक्ता भी जितने बड़ा है। इतने में जब श्री व्यास देव जी जब उन्होंने कहते ये श्रीमद भागवत ग्रंथ को से व्यास देव जी सारे ग्रंथों को उसने रचना किया व्यास देव जी ने, लेकिन रचना करते हुए भी उनको शांति नहीं मिला। जब शांति नहीं मिली इतने में श्री नारद जी आते, नारद जी आकर कहते देखो तुमने सारे ग्रंथ तो तुमने रचना की, लेकिन इस शांति क्यों नहीं मिल रही है। बोले भगवान की कथा को तुमने जी भर करके वर्णन नहीं किया, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है। अगर तुम भगवान की शुद्ध भक्त और भगवान की कथा को अगर वर्णन करोगे ना, तुमको मन को परम शांति मिलेगी। फिर उन्होंने नारद जी फिर अपना कथा को सुनाते हैं, देखो आज मैंने इतने बड़े संत कैसे बना, केवल संतों की कृपा से ही इतना बड़ा मैंने संत और दुनिया में हमारी इतना नाम हुई है। इसलिए तब श्री नारद जी अपना चरित्र को सुनाते हैं हमारे बीच में, हमारे श्यामानंद प्रभु जी अभी श्री नारद जी कथा सुनाएंगे। ये भागवत ग्रंथ में कमी क्या चीज थी, और उन्होंने अगर हम भी भगवान की भक्ति को पाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अभी हमारे प्रभु जी सुनाएंगे। एक मिनट एक महामंत्र गा लेते हैं, ठीक है। आप लोग सबके सब मेरे पीछे पीछे हाथ की ताली बजा तो भी गाना, ठीक है। हाँ देखो इधर सुना, कल है कथा की चौथा दिन, चौथा दिन में हमारी श्री कृष्ण कन्हैया जन्म लेने वाले हैं। बोले श्री नंद के लाला की, और नंद के आनंद भयो। कल भगवान जन्म लेने वाले, जब मैया जसोदा गर्भधारण की, गर्भधारणा से पहले जब ब्रज गोपियों को पता चला ना मैया गर्भधारण की, जितने गोपियां थी 6-6 महीना पहले 84-84 गज के लहंगा चुंदरी बना करके रखे। बोले लाला का जन्म होगा तो हम सुंदर श्रृंगार करके लाला को बधाई देने जाएंगे, और जितने गोप लोग थे ना बड़े सुंदर बगलबंदी धोती पगड़ी बना कर रखे हैं। इसलिए कल आप लोग सबके सब सद्धज करके, जैसे ब्रज गोपियां भगवान को बधाई देने के लिए आई थी, कल भी आप लोग 84-84 गज के लहंगा पहन कर गाना, चुंदरी पहन कर गाना, ठीक है। और सबके सब सुना ध्यान से, सबके सब पीला रंग के साड़ी पहनना, कौन सा रंग के नहीं हो तो उधार करके पहनना कोई बात नहीं, कोशिश करना अगर पीला तो बढ़िया है, नहीं तो तुम्हारे पास में जो बढ़िया कपड़ा होगा उसको पहने करके बड़े सुंदर सज धज करके गाई हैं, क्यों गोपियां जैसे प्रभु को बधाई देने के लिए आई थी। और खाली हाथ में नहीं, क्योंकि ये कथा आप लोग सब मिलकर कथा कर रहे हो, ठीक है ना, इसलिए हाथों में जैसे टप्पी है, लजन से है, जैसे खिलौना है, जैसे बच्चे का बर्थडे में होता है ना, ऐसे ही कुछ ना कुछ लेकर के आना, उसको हम सबके सब लुटाएंगे। और कल बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो। हाँ।
अरे कल सारे भगवान जन्म लेंगे, नरसिंह भगवान भी जन्म लेंगे, कल भगवान बामन देव भी जन्म लेंगे, सारे भगवान कल जन्म होने वाले, ठीक है। हाँ बोलो। बहुत लंबा करीब नहीं तो आगे यदि किसी कथा हुए सुनी दो, नारद पर यदि किसी कथा हुए था ना, आगे यदि कथा हुए तो किसी सीधा कथा की छट कर करके आगे में तो कथा जी सुनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधरशिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एक अनाउंसमेंट है जो कल है, ध्यान देकर सुना, जो कल है हमारे जो गुरु जी है बड़े गुरु जी, कल उनका दो गुरु जी का एक साल तिथि है, एक गुरु जी का जन्म तिथि है और एक गुरु जी का तिरोभाव, तिरोभाव मतलब कल का दिन उन्होंने भगवान के धाम में चले गए थे। ये दोनों का तिथि कल है, जो 12-22 में हमारे जो मंदिर वहाँ पर कौन सा जगह पर है, Q9 Sector 12 Q9 Sector 12 और बारात हॉल को पास में मंदिर है, इसलिए वहाँ पर कल सवेरे 10 बजे से वहाँ पर कथा होगी और उसको बाद में सभी को बढ़िया बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था है, इसलिए जितने हमारे शिष्य लोग भक्त लोग सबको तो आना ही, ठीक है ना, सब आना है और जितने और सारे भक्त लोग है आप सब लोग कल आना, ठीक है। आप लोग जिन जिनको जानते हो सबको लेकर के, यहाँ पर हमारे बहुत सारे भक्त लोग है जो जानते हो उनको सबको लेकर के आइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की पराशर्य महाभागो भवता कर्षिदात्मना परितुष्यन्ति शरीर आत्ममानशैव वा। ये व्यास जी ने बड़े सुंदर ग्रंथों को रचना किया, सारे ग्रंथ को रचना कर दिया, कहीं पर शिव जी का व्रत लिख दिया, कहीं पर दुर्गा देवी का व्रत लिख दिया, तरह तरह की पूजा पाठ हवन सब लिख दिया, लिखने पर भी व्यास जी के मन पर चैन नहीं मिला। ये नारद जी भगवत इच्छा से व्यास जी को समझाने के लिए बद्रीनाथ में आए। आप लोग सुने होंगे नारद जी का नाम जगत में बड़ा बदनामी है, कोई अगर लड़ाई झगड़ा करने में अगर एक्सपर्ट हो तो हम लोग कहते हैं तुम क्या नारद जी जैसा काम कर रहे हो, तुम क्या नारद हो, कहते हैं कि नहीं। इसीलिए नारद जी का नाम लड़ाई झगड़े में तो एक बड़ा एक्सपर्ट हम लोग सुने हैं, बड़ा कैरेक्टर को खराब मानते हैं, लेकिन नारद जी जैसे भगवत भक्त जगत में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बोले ये नारद जी के दो बूढ़े शिष्य हुए और दो जवान शिष्य हुए। बोले दो जवान शिष्य कौन कौन, बोले एक का नाम हुआ ध्रुव। अभी हम सुनेंगे 6 महीने में ही नारद जी के कृपा से नारद जी के दिए हुए मंत्र को जाप करते करते 6 महीने ही भगवान उनको दर्शन करने के लिए आ गए, भगवत प्राप्ति हुआ। बोले इनका जो दूसरे जवान शिष्य हैं प्रहलाद, जब प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में थे 60,000 साल तक माता कयाधु ने नारद जी के आश्रम पर जाकर के ये नारद जी से हरिकथा सुनी थी, इसलिए कहा छोटे से प्रहलाद महाराज 5 साल की भजन की प्रभाव
और दूसरे तरफ देख रहे हैं 60,000 साल तक तपस्या क्या हिरण्य कश्यप और 60,000 तपस्या फल को नष्ट करते हुए भजन का कैसे शक्ति को यहाँ पर दिखा रहे हैं। खंबे फाड़ करके भगवान नृसिंह को प्रकट कर दिया और नृसिंह भगवान की। इसलिए तो दो जवान शिष्य, बोले इनके दो बूढ़े शिष्य भी हुए, एक का नाम हुआ वाल्मीकि, जिन्होंने राम आने से पहले ही, भगवान राम आने से पहले ही ये रामायण को रचना कर दिया। बोले दूसरे शिष्य हुए ये व्यास जी। ये व्यास जी बड़े सुंदर ग्रंथ को रचना करके भी उनके मन को चैन नहीं। नारद जी आए, बोले व्यास जी लग रहा है ये आपके सकल पे तो 12 बजी हुई है। अरे साधुओं को किस चीज का टेंशन, जगत के लोग कहते हैं टेंशन टेंशन, साधु को किस चीज का टेंशन भैया। इसलिए यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं, बोले लग रहा है आपने मन में कोई बोले क्षोभ है तो आपके अंदर ये शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतना बड़े विद्वानी हो, इतने ज्ञानी हो कि आपने पंचम वेद जैसे महाभारत ग्रंथ को रचना किया। गुरुजी को बात सुन करके व्यास जी बोलते हैं, मैंने तो सारे ग्रंथ को रचना कर दिया फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा सुन करके नारद जी कहते हैं, बोले देखो व्यास जी आपने गड़बड़ी कर दिया, ये जीव जो है भोग वृत्ति करने लगते हैं। भोग वृत्ति समझ में आ रहा है? एक तो जीव पूरा 84 लाख जोनी में भटकते 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 कैसे खाएंगे पिएंगे, माताओं को देखो तो कैसे ब्यूटी पार्लर जाएंगे, मेकअप करेंगे, कैसे मूवी देखेंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे सोएंगे आराम से, और सर्दी के समय हो तो कैसे कंबल ओढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे गर्मा गर्म, तरह तरह के खाने पीने सोने, बच्चा पैदा करना, घर मकान की सारी चिंता होती है। और उनमें से कभी कोई कोई भगवान के मंदिर में माथा टेकने आ जाता है। गुरु जी कह रहे थे ना, मानो यहाँ पर आ गया माथा टेकने के लिए, टेकने के लिए तो आ गया और साथ में मन्नती रख गया, प्रभु आप मुझे ऐसा कर दोगे ना, मैं आपके लिए 125 के लड्डू चढ़ा दूंगा, मैं आपके 16 सोमवार के व्रत कर दूंगा। शिव जी बोले अच्छा इतना भक्ति है, 16 सोमवार का मेरे लिए व्रत करेगा। बोले ठीक है चल कर ले। शिव जी प्रसन्न हो गए 16 सोमवार व्रत के बाद। और एक घर में अगर बच्चा नहीं है तो शिव जी ने एक बच्चा दे दिया, शिव जी ने एक पुत्र दे दिया। जब शिव जी एक पुत्र दे देते हैं, बस बेटा जैसे ही मिल गया, शिव जी अपने मंदिर में, हम बेटे को लेके एक जगह घूम रहे, हम अपने जगह पर, हम नवरात्रि के व्रत करते हैं, दुर्गा देवी को जय माता दी करते करते खूब खूब पूजा करेंगे, जैसे ही नवरात्रि खत्म हो गया दुर्गा देवी एक तरफ, हम लोग एक तरफ हो जाते हैं। भैया ये जीव तो है भोग वृत्ति में लगे हुए और तुमने उसको स्टैंप लगा दिया। व्यास जी बोलते हैं, गुरु जी और मैं क्या करूं, अभी क्या रचना करूं। जथा धर्म दया शार्थ मुनिवर जानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णिता। अरे तुमने तो कृष्ण के मधुर लीला को वर्णन किया ही नहीं। व्यास जी आपने सारे ग्रंथ को तो लिख दिया, अन्य अन्य ग्रंथ में यद्यपि कृष्ण की महिमा है लेकिन विशेष रूप में आपने कृष्ण की कथा को सुनाई नहीं। कहां छोटे से लाल जी, कहां विश्व ब्रह्मांड के मालिक। नंद बाबा कहते हैं लाला खड़ाऊ लेकर के आ जा। बोले छोटे से लाल जी चरण में बड़े सुंदर नुपुर पहने हैं, छोटे छोटे उनके चरण पादुका है, ठीक से अभी तो प्रभु चल भी नहीं पा रहे हैं, और छम छम करके रुणुक झुणुक शब्द करके ठाकुर जी जाते हैं, जा करके दोनों खड़ाओं को एक साथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे। और तो और जैसे तैसे एक खड़ाओ को उठाया और उठा करके फिर से छम छम करते हुए ठाकुर जी आए, आकर के नंद बाबा के एक चरण में दे रख दिए। फिर से ठाकुर जी गए और जा करके दूसरे चरण को अपने मस्तक पर धारण करके खड़ाओ को लेकर के आए और नंद बाबा के दूसरे चरण में रख दिए। नंद बाबा तो गदगद हो गए, बोले मेरे लाला बचपन से इतना संस्कारी है, लग रहा है बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा। कहां मैया यशोदा विश्व ब्रह्मांड के मालिक, अभी सुन रहे थे ना गुरु महाराज के मुखारविंद से, कहां मैया उनको रज्जु से
प्रेम रूपी रस्सी से उनको बांध देती है। ठाकुर रोते हैं, ऐसा नहीं कि लीला कर रहा हूं भैया सीन फ्लॉप हो जाएगा, रो लेता हूं थोड़ा, नहीं सचमुच ठाकुर रोते हैं। कहां सखाओं की झूठन खाते हैं, लक्ष्मी जिनके लिए बैकुंठ में 56 भोग की व्यवस्था करती है उसको परित्याग करके, ब्रह्मा जी जिनके लिए बड़े बड़े वेद की स्तुति करते हैं वो सबको छोड़ करके सखाओं की गाली और सखाओं की झूठन खाते हैं। बोले कहां छोटे से ठाकुर जी काल्य के सर पे नृत्य किया, कहां 7 साल के आयु में प्रभु कनिष्ठ अग्र पर भगवान ने, नखाग्र पर प्रभु ने ये गोवर्धन को धारण किया। बोल गिरिराज महाराज की, कहां प्रभु बड़े सुंदर रास लीला करते हैं, इसीलिए आपने तो ये सारी लीला को सुनाई नहीं, इसको आपने विस्तृत रूप में बताया ही नहीं, आपने तो विस्तृत रूप में बताया ही नहीं। रास्ता छोड़ दो, जो पीछे आए आगे आगे, बीच में एक रास्ता कर, और जाओ ना तुम पर रास्ता करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए आप क्या करो, आप यहाँ पर विस्तृत रूप में कृष्ण चरित्र को वर्णन करो, पढ़ देखिए कृष्ण चरित्र को आप विस्तृत रूप में वर्णन करो। जब कृष्ण चरित्र के बारे में बताया गया, इतने में व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनाते हैं। बोले देखो व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं कौन था। बोले कौन थे। बोले पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, नौकरानी का बेटा था। नारद जी कह रहे हैं, बोले मैं पूर्व जन्म में नौकरानी का बेटा था, लेकिन आज देखो मेरा नाम कितना जगत में ख्याति है। कहां मैं नौकरानी का बेटा से कैसे नारद बन गया, थोड़ा ध्यान देकर के सुन लो। अहम पुरातित भवे अभवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना, निरूपित बालकैव योगिना, शुश्रूषणे प्रार्वसि निर्विवेक्षता। अरे मैं दासी का पुत्र था, और एक समय हमारे गांव में कुछ संत लोग आए। मेरे माँ बड़े भक्तिमती थी, माता जी ने मुझे बचपन से ही संस्कार दिया था, बेटा सवेरे उठ करके बड़ों को पांव छूना। आजकल के तो माताएं में ये प्रकार की विशेष चीज लुप्त हो गई है, सवेरे उठ के ही बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं, संस्कारित नहीं करते। माता बच्चे के प्रथम गुरु हैं, माता पिता। इसलिए नारद जी कह रहे हैं मेरे माता ने मुझे खूब संस्कार किया, इतना संस्कारित मुझे किया था। बोले बच्चे को बड़े सुंदर रूप में, जब वहां पर संत लोग आए, आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाइए, आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाइए, दुनिया सब आगे आगे आना चाहते हैं, आप लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। भैया थोड़ा और आगे आओ, बर्फ जैसा जम गया है। दोनों हाथ उठा के एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार आप लोग बोलो, हम लोग सुनेंगे। हरे वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कह रहे हैं मेरे माँ नौकरानी तो थी, लेकिन मुझे अच्छी संस्कार दी थी। बोले संस्कार के फल से मैं जाकर के उनको, संतों को सेवा किया करता था। संत लोग जब नहाने जाते थे उनके लिए पानी लेकर के रखना, उनके कपड़ा धो देना, उनके लिए प्रसाद रूप का कुछ व्यवस्था कर देना, सब के सब मैं किया करता। देखो हम लोग किस प्रकार काम करते हैं, इधर ध्यान से देख लो माताएं, हमारा कैसा स्थिति है। हमारे एक समय एक प्रभु जी कह रहे थे कि हमारा संतों को देखना, हमारा किस नजर दृष्टिकोण से हम लोग संतों को देखते हैं। संत लोग झोली लेकर के घर घर में जाते हैं भिक्षा करने के लिए। एक माता जी अपने बच्चे को खिला रही थी।
बोले बेटा खा ले बेटा खा ले, बच्चे तो बचपन में खाते नहीं है, बोले तरह तरह के बहाना करके खिलाते हैं। बोले वो माता जी बोलने लगी, बोले नहीं खाएगा तो ये संत के झोली में तुम्हें डाल दो। बच्चा डरने लगा, बच्चा डरने लगा, संत बोलने लगे लग रहा है बच्चे को भी मेरे तरह साधु बनाना चाहता है ये मैया, कितने सौभाग्यवती है। बोले इतने में बच्चा तो और डरने लगा, जब बच्चा डरने लगा संत कहने लगे भैया संतों से घृणा मत करवाओ, आज तुम मेरे नाम पर डरा रहे हो, बड़े होते होते ये इतना डर जाएगा कि हमको देख करके दूर से चप्पल फेंक देगा, हमको देख करके दूर से पत्थर फेंक देगा। इसीलिए कभी कभी माता जी एक समय किसी माता जी ने बच्चे को खिला रही थी और बोली कि बाबा आपके एक फोटो दे दो। बोले फोटो क्या करोगे? संत समझने लगे, सोचने लगे कि घर में शायद रखेंगे, संत जी दर्शन करेंगे सवेरे सवेरे तो कल्याण होगी। तो माता ने पूछा बोले क्या करोगे बताओ जरा? तो कहने लगी बोले बच्चा खाता नहीं, आपको फोटो को दिखा के डराऊंगी। बोले डरा करके डराएगी तो आपके फोटो देख करके खाने लगेगी। हम लोग ऐसे संस्कार देते हैं। कहा हमारे गुरुजी एक स्थान पर गए थे, छोटे से बच्चे को सर के ऊपर हाथ रख दिए, उसको आशीर्वाद देना चाहते थे लेकिन वो डर के मारे भाग गया। यहाँ पर सारे माताएं हैं, सारे बच्चे लोग हैं, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, वहां अगर कोई स्पाइडरमैन का अगर कोई कार्टून का अगर ड्रेस पहनकर आता तो बच्चा भागता? बताओ ईमानदारी से, भागता बच्चा? नहीं भागता। ये संस्कार किसने दिया है? माता पिता ने दिया है। कहां छोटे छोटे उम्र में हमें बच्चे को गीता रामायण सिखाना चाहिए, कहां अच्छा संस्कार देना चाहिए ताकि बुढ़ापा में बच्चा हमारा बात सुने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बचपन से ही कार्टून दिखा देते हैं। पबजी ले भैया, तू पबजी देखते रहे, तू अपना पबजी बन जा। इसलिए बच्चों का प्रथम गुरु माता पिता हैं। आप जैसे संस्कारित करोगे बच्चे भी वैसे ही संस्कारित होंगे। यहाँ पर नारद जी साधुओं को खूब सेवा किया। जब संत लोग जब जा रहे थे, इतने में नारद जी उनके पीछे पीछे चलने गए। इतने में संत लोग कहे बोले देख बेटा, अब तुम्हारे माता है, माता की सेवा करना तुम्हारे कर्तव्य है, इसीलिए तुम अभी हमारे साथ मत आओ। बोले गुरु जी आप मुझे कुछ दे के जाओ। इतने में संत लोग वहां पर ये महामंत्र को उनको दे करके जाते हैं। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र को दिया। बोले इसको जाप करते रहना। नारद जी को गले में कंठी दे दिया, मस्तक पर तिलक दे दिया और बोले तुम भगवान की भक्ति करो। नारद जी तो खूब भक्ति कर रहे थे और किसी समय पता चला कि सर्प दंशन से उनका माता की मृत्यु हो गई। नारद जी अब घर में अकेले घर में रहकर के क्या करेंगे, सोचे कि संत की भांति जंगल में चले जाऊं। जंगल में चले गए। जब जंगल में चल जाकर के ये मंत्र को बड़े निष्ठा से बड़े प्रेम से भगवान को भजन करते थे। जब भजन करते थे, भजन करते करते एक दिन भगवान का एक झलक दर्शन हुआ। नारद जी को भगवान के एक बड़े सुंदर मोर मुकुट है, बड़े सुंदर तिरछी चितवन है, बड़े सुंदर पैर को, बड़े सुंदर कमर को, बड़े सुंदर ठाकुर के हाथ में अधर में बंसुरी है। ये सारी चीज को देख करके नारद जी प्रेम से विभोर हो गए। भगवान के एक दर्शन हुआ और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, मानो नारद जी के मन में उथल पुथल मच गया, प्रभु आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? दर्शन दिया तो आंखों को पूर्ण दर्शन तृप्त हुआ ही नहीं था और आपने एक बस झलक दे करके आप चले गए। बोले ऐसा जीवन को धारण करना और क्या सफल रहेगा, मैं इस जीवन को ही त्याग कर दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा। इतने में आकाशवाणी हुआ, हंतास्मि जन्मनि भवान। माता जी बढ़िया, बढ़िया अविभक्त्व कषाय दुर्गतां कुजोगिना। आकाशवाणी हुआ कि नारद जी इस जन्म में आपको इतना ही दर्शन मिलना वाला था, इसलिए मिल गया। बोले आपका कुछ कषाय रह गया है।
बोले कुछ अनर्थ अपराध रह गया है, इसलिए आप भगवान की भक्ति करो, अगले जन्म में मेरा पुण्य कृपा प्राप्त करोगे। नारद जी कह रहे हैं मैं कहां नौकरानी का बेटा था, लेकिन ये संतों का सेवा करते करते, संतों का उच्चिष्ट अधरामृत पान करते करते, संतों की विशेष कृपा प्राप्त हुआ और भगवान नाम को जप करते करते कहा मैं अगले कल्प में ब्रह्मा के पुत्र नारद वंश के जन्म हुआ। बोले नारद ऋषि की, बोले कहा मैं नौकरानी के पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र, बोले दोनों को विशेष कृपा हुआ, एक तो संत लोग कृपा किए और दूसरा ये भगवान का नाम। इसलिए नारद जी कहते हैं बोले जब मैं गिरिराज के तलेटी पर गिरिराज के निकट में भजन कर रहा था, उसी समय पर वहां पर भजन करते करते स्वयं राधा रानी के साथ, स्वयं अष्ट सखियों के साथ, स्वयं बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोले जैसे ही प्रकट हो गए प्रभु ने मुझे बड़े कृपा तो किया और साथ ही साथ राधा रानी ने मुझे अपने एक वीणा प्रदान कर दिया। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वां हरिकथा गायमानश्चराम्यः। बड़े सुंदर वीणा को प्रदान कर दिया और राधा रानी कहने लगी नारद जी इस वीणा को लो और ले करके पूरा जगत में भगवान के नाम के प्रचार करो। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी तब से मैं इस वीणा को लेकर के भगवान के नाम गुणगान करता हूँ, और तो और मेरा महिमा को देखो, स्वर्ग लोक में जाता हूँ देवता उठ करके प्रणाम करते हैं, मर्त्य लोक में जाता हूँ मनुष्य में भी बड़ा सम्मान है, और तो और पाताल में असुर लोग के पास जाता हूँ, ये दैत्य लोग भी मेरा भी बड़े सम्मान करते हैं, ये केवल संभव हुआ ये संत के लिए। इसलिए कविकार कहते हैं संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ
हरे कृष्णा। जब श्री नारद जी व्यास देव को उपदेश दिया, देखो अगर आत्मा को शांति पाना चाहते हो क्या करो, ठाकुर जी की महिमा को गान करो और भगवान की जो शुद्ध भक्तों का चरित्र को गाओ। इसलिए ये ग्रंथ का नाम है भागवत। भागवत मतलब क्या है, इसका तीन अर्थ है। पहला अर्थ है ये भागवत साक्षात भगवान इसकी मुंह से निकली। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी को चार श्लोक रूप में दे, वो चार श्लोक ही विस्तृत रूप में भागवत, ये एक। दूसरा अर्थ दिया बोले भागवत नाम कथा इति भागवत, जिसमें भगवान की शुद्ध भक्तों का चरित्र है, जैसे ध्रुव प्रह्लाद अम्बरीश महाराज भरत महाराज इनकी चरित्र जिसमें हो भागवत। और भगवत नाम कथा जिसमें भगवान की कथा है उसको कहते हैं भागवत। इसका तीन अर्थ है,
इसलिए जब उन्होंने भक्ति योग समाधि को द्वारा गुरुवे गौरी चंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। एक बार सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्ण योगी दंड प्रणाम हरे कृष्ण। सभी लोग देखो 10 मिनट ध्यान से सुनना। अभी मैं उत्तराखंड गया था, हम एक कथा करने गए थे, तो वहां एक माता जी हमारे पास आई और बोली प्रभु जी हमें भी अपने साथ ले जाओ। मैंने माता जी आपको कहां ले जाएंगे? कह रही नहीं प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही मेरे को कोई खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा आपके हस्बैंड कहां है? कह रही तो चल बसे। मैंने कहा कुछ घर में प्रॉपर्टी है? कह रही प्रॉपर्टी तो थी वो सब भी चले गई। मैंने कहां चले गई? मैंने कहा बच्चे हैं आपके? कह रही 3 बच्चे हैं मेरे। मैंने कहा 3 बच्चे हैं और आपके पास कह रहे कोई नहीं खिलाने वाला? कह रही मेरे 3 बच्चे लेकिन कोई मुझे नहीं पूछता। अब मैंने कहा तुम्हारे जो पति थे वो क्या करते थे? कह रही वो तो आर्मी में ऑफिसर थे। तो मैंने कहा भैया पेंशन होगी, इतना सारा पैसा मिला होगा कहाँ है? कह रही वो हमने 3 बेटों में बांट दिया। मैंने कहा तुम्हारे पास क्या बचा? कह रही कुछ नहीं। और कह रही बहुएं मुझे कुछ भी नहीं देती। और कह रही मेरा तो जीवन सब व्यर्थ हो गया है, अब मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। मेरे को तो कोई मुझे भविष्य में यह भी नहीं कि अंतिम समय मुझे कोई पानी भी पूछ ले, और तो और मेरे को मरने के बाद कोई मेरी अस्थियां भी जलाएगा तो मुझे तो यह भी नहीं पता। मैं जहां कहीं पड़ी रह जाऊंगी तो मेरे को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो मैंने देखा वास्तव में स्थिति तो बड़ी गंभीर है ना। अभी चल रहा है ये, अभी जो कलयुग ऐसा चल रहा है, जो बच्चे आजकल के ऐसे हो रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि उनको पढ़ा रहे, उनको पाल रहे, पोस रहे, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई है कोई बच्चे अपने माता पिता को कोई नहीं पूछ रहे। अरे इतने छोटे छोटे हैं अभी, अंडे से निकलेंगे, अभी नहीं सुन रहे तो बाद में कब सुनेंगे? अभी नहीं सुन रहे हैं, सब जानते ना। बस फोन इनके हाथ में पकड़ा दो और कोई मतलब नहीं, घरवारी से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो स्थिति बड़ी खराब हो गई है ना। तो आप लोग लेकिन तब भी थोड़े सौभाग्यशाली हो, थोड़े क्यों देखो कम से कम आपको भविष्य तो पता नहीं, कल को कोई आपको बच्चा पूछे ना पूछे, लेकिन ये भागवत है ना। ये क्या है? ये साक्षात क्या है? भगवान का स्वरूप। ये कहते हैं ना भागवत रूपी गुरुदेव बता रहे थे, भागवत रूपी गंगा में क्या लगा लो? गोते लगा लो। ये समय आपको मिला है इसको व्यर्थ मत करो। कल को पता नहीं कोई आपको आपके नाम से कोई भागवत कराए ना कराए, आपको कोई तर्पण दे, कोई श्राद्ध करे ना करे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसलिए गुरुदेव बार बार कह रहे ध्यान से सुनो, ये आपके कल्याण होगा, हमारा कल्याण नहीं इसमें, इसमें आप लोगों का ही कल्याण है। आप बैठ के ध्यान से सुनोगे ना तो आपको कम से कम भागवत श्रवण करने का फल तो मिलेगा। अगर गलती से भगवान ना चाहे आपके परिवार में कोई ऐसा हो, कोई आपको पूछ ना पाए, आपको अभी कोरोना आया था ना, कोरोना अभी दोबारा आ चुका है वैसे तो। कोरोना के समय में दिल्ली में 5000 लाशें ऐसी थी जिनके परिवार वाले उन्हें लेने नहीं आए, उनको मसीने में डाल दी। गंगा जी नसीब हुई नहीं नसीब हुई, अस्थियां कहां गई? कूड़े के ढेर में। तो स्थिति कभी भी कुछ भी हो सकती है, इसलिए कम से कम इतना सौभाग्य मानो कि भागवत में बैठ के कम से कम भागवत तो श्रवण कर रहे हो, लेकिन उसे भी ध्यान से सुनो, ध्यान से श्रवण करो। देखो स्थिति कैसी आ गई। एक कथा आती है, एक माता जी थी, उनके 2 बेटे थे, तो उनके जो पिताजी गुजर गए, माता जी ने देखा कि पिताजी गुजर गए, उनके बच्चे के पिताजी गुजर गए, लेकिन उनकी अस्थियां घर में ही रखी रह गई, घर में ही पड़ी हुई है। अब माता जी रोज बोले बच्चों को कि बेटा जाओ ये अस्थियों को क्या करो, विसर्जन कर दो। बच्चे के लिए माता जी क्यों परेशान कर रही है, चले जाएंगे ना, पिताजी तो चले गए, अस्थियां तो रखी हुई है, डाल देंगे आराम से, जल्दी कहां की है। अब माता जी पड़ी परेशान कि रोज घर में बोल रही हूं मैं अस्थियां डाल दो, गंगा जी में विसर्जन कर दो, विसर्जन करो, 1 महीने से घर में पड़ी हुई है। माता जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। एक दिन माता जी ने कहा मैं आज खाना ही नहीं बनाऊंगी, मैं तुम दोनों को खाना ही नहीं दूंगी जब तक तुम ये पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में डाल के नहीं आओगे। बच्चों ने सोचा कि भैया ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बता नहीं माता जी खाना दे ना दे, अब एक काम करते हैं हम कल सुबह दोनों गाड़ी पकड़ के और जाएंगे गंगा जी में अस्थियां डाल ही आते हैं। तो दोनों भाइयों ने कहा ठीक है हम कल सुबह जाएंगे और अस्थियां गंगा जी में डाल आएंगे। उनके घर से जो गंगा जी थी वो थी 100 किलोमीटर, कितनी? 100 किलोमीटर दूर थी। अब दोनों ने गाड़ी पकड़ी और चल दिए, चलते 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 वो एक जगह रास्ता भटक गए
80 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 20 किलोमीटर गंगा रह गई। तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई साहब ये गंगा जी कहाँ है, गंगा नदी कहाँ है? तो उन्होंने बोला भाई साहब ये देखो जो ये नाला बह रहा है ना, ये नाला सीधा जाके गंगा जी में ही मिलता है। तो बच्चों ने सोचा ये जब नाला ही सीधा गंगा जी में जाके मिलता है तो क्या करते, पिताजी की अस्थि इसी नाले में डाल देते, देर समय पहुंच ही जाएंगी। तो दोनों ने कहा एक काम करते, पता भी नहीं चलेगा, आपस की बात है। और दोनों ने क्या किया, पिताजी की अस्थियों को नाले में डाल दिया और घर वापस आ गए। माताजी ने पूछा क्या हुआ, आ गए? कह रहे हाँ माताजी आ गए हम। माताजी बड़ी खुश हुई, बढ़िया बढ़िया दोनों के लिए पकवान बनाए। लेकिन हुआ क्या, रात्रि को उनके पिताजी सपने में आए, कहते कैसे हमने नालायकों को जन्म दिया है, कैसे नालायक पैदा हुआ हमारे घर में। ये इन दोनों ने क्या किया, मेरी अस्थियां गंगा जी में डालने की बजाय 20 किलोमीटर पहले कहां नाले में डाल के आ गए, नाले में डाल के आ गए। जब माता जी ने बात सुनी, सुबह उठी तो बड़ी क्रोध में उठी तो दोनों को उठाया, दोनों सो रहे थे मस्त हो गए, दोनों को उठाया, उठो, कह रही ये बताओ तुमने पिताजी की अस्थियां नाले में क्यों डाली। अब दोनों भाई एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, ये तो बात हमें ही पता है, हमने तो बताया नहीं किसी को। कह रहे माता जी ये बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसे पता। माता जी ने कहा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, रात को पिताजी सपने में आए थे और वो बता गए, क्या बता गए, कि ये दोनों नालायकों ने क्या किया, मेरी अस्थियों को नाले में ही डाल दी, मेरी अस्थियां नाले में डाल दी। अब दोनों बच्चे बिगड़ गए, कह रहे पिताजी को पहले तो कोई काम था नहीं है, जिन कुछ तो काम था नहीं उनको, अब मरने के बाद ही परेशान कर रहे, 80 किलोमीटर या सपना देने आके 20 किलोमीटर गंगा जी में नहीं जा सकते थे, 80 किलोमीटर यहाँ आ गए सपना देने, लेकिन 20 किलोमीटर गंगा जी में चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। तो स्थिति आजकल की ये है कि कोई आगे वाले भविष्य में कोई पूछने चाचने वाला नहीं है। लेकिन इसलिए क्या करो, तैयारी करो। किस चीज की तैयारी करो, किस चीज की तैयारी करनी है, मरने की। किसकी, कौन कौन मरने की तैयारी करेगा आज करेगा ना? अब हे भगवान सारे करेंगे, कैसे करोगे ये बताओ है? अच्छा सुनो, शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूं मरने का तरीका। ए बच्चों बैठ जाओ, बच्चों बैठो, क्यों खड़े हो, बैठे वहां पर। हाँ ध्यान से सुनो, अब मरने की ए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो, मरने की तैयारी करने का अर्थ ये नहीं है कि घर में पंखे में जाके वो लगा लो, रस्सी बांध लो, या दुकान से जाके जहर की पुड़िया खरीद के लाओ। मरने की तैयारी का अर्थ ये नहीं है, तैयारी का अर्थ है अंतिम यात्रा। क्या है अंतिम यात्रा? एक यात्रा जो सबको करनी है, आप चाहो ना चाहो, आप चाहो ना चाहो, एक यात्रा आप सबको करनी है। अभी नया साल आया ना, सबने नए साल की तैयारी की। मैंने देखा, मैं जब नोएडा में रहता था, सबसे ज्यादा बम पटाखे यही फटते हैं खोड़ा में, हैं? सबसे ज्यादा यही फटते, पूरी पूरा जश्न मनाया जाता है, हर चीज उत्सव बड़ा अच्छा मनता है यहाँ, बड़ी तैयारी की जाती है। ये मैंने देखा कलश यात्रा, देखो ऐसी कलश यात्रा जो यहाँ हुई है ना, आज तक किसी भागवत में नहीं हुई, इतनी बड़ी विशाल। हर जगह मैंने देखा खोड़ावासी हर जगह की तैयारी करते हैं, लेकिन एक जगह की तैयारी नहीं कर रहे, एक जगह की तैयारी कोई नहीं कर रहा। देखो अगर मैं बोलूं ना, कल वृंदावन बस जाएगी, सब लोग तैयारी करेंगे, बढ़िया बढ़िया साड़ी रख लेंगे, है ना, सर्दी हो रही है, टोपी रख लेंगे, ग्लव्स रख लेंगे, स्वेटर रख लेंगे, अपने लिए क्रीम पाउडर जो भी सब रख लेंगे। शादी में जाना हो तो एक महीने पहले तैयारी हो जाएगी कि भैया की शादी है या ननद की शादी है या छोटी बहन की शादी है, तो हल्दी में ये साड़ी पीली पहनूंगी, उसके साथ मैचिंग का ये होगी, मैचिंग की बिंदी होगी, मैचिंग की लिपस्टिक होगी, और शाम को शादी के दिन मैं ये पहनूंगी, और सुबह सुबह ये पूरी पूरी प्लानिंग होती है। तीन तीन चार चार पांच पांच साड़ियां लेके जाते हैं, जाते नहीं जाते एक शादी में, पूरी तैयारी करके जाते हो। लेकिन एक ऐसी यात्रा है जहां हम सबको जाना है, वहां की कोई तैयारी नहीं करता, वहां की कोई तैयारी नहीं है, सबको जाना है, वह हमारी अंतिम यात्रा होगी सबकी, कोई चाहे न चाहे। तो ये किसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, अब सुनो एक छोटी सी कथा सुनो। एक बार एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में एक राज्य में गया, जब उस राज्य में गया तो वहां एक देखा कि पूछने लगा कि मुझे यहां नौकरी मिलेगी। तो जब उस नगर में घूम रहा था, माताजी हाँ हमें सुना दो, बताओ क्या कह रहे हो,
माइक दू तो मार, उन्होंने क्या हुआ जब गया नौकरी के लिए वहां, तो एक हाथी आया और उसके उनके गले में एक माला पहना गया और बड़ा खुश हुआ। अब सारे के सारे नगरवासियों ने उसे कंधे को उठा लिया। अब पूछने लगा कि भैया मेरे को कंधे में क्यों उठा रहे हो? कह रहे हमारे यहाँ का नियम है, जो भी व्यक्ति इस नगर में आता है और अगर उसके गले में ये हाथी माला डाल दे तो वो हमारे नगर का राजा हो जाता है। वो बड़ा खुश हो गया, यहाँ तो मैं नौकरी ढूंढने आया था और यहाँ राजा बन गया, बड़ा आनंद आ गया। तो उसको ले गया राज्य में। जब राज्य में गया तो देखा बड़ा आलीशान महल, बड़ा सुंदर महल, चारों तरफ नौकर नौकरानियां है, खाने की एक एक सी वस्तु है, हर चीज उपलब्ध। बड़ा आनंद आ रहा है उसे, जो आगे ऑर्डर दे रहा है, आज ये ले आओ, आज बर्गर ले आओ, आज पिज्जा ले आओ, आज आइसक्रीम ले आओ, आज ये, अरे बड़ा आनंद आ रहा है। 2 महीने में खा खा के मोटा हो गया। कैसा हो गया कोई है यहाँ पे? देख लेना, खुद ही देख लेना, एक माता जी खुद ही हाथ उठा लिया। तो खा खा के वो हट्टा कट्टा हो गया। अब हुआ क्या, एक दिन मंत्री आया कि देखो महाराज 2 महीने तो आपको हो गए। उसने कहा हाँ 2 महीने हो गए, बात बताओ क्या हुआ? कह रहे हमारे यहाँ का नियम है कि जो भी यहाँ राजा बनता है ना उसको हम 1 साल के लिए राजा बनाते हैं। वो थोड़ा दुखी हुआ, अरे अभी तो मेरे पास चलो कोई नहीं 10 महीने और है, ठीक है। और कह रही दूसरी शर्त यह है कि आपने वो देखो नदी देखी है? कह रहा हाँ हाँ, वो भयंकर नदी जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। कहते हाँ। कहते उसके बाहर जंगल देखा है? कहते हाँ, मैंने सुना बड़ा भयंकर जंगल है। कहते हाँ। कहते 1 साल बाद उसी जंगल में हम आपको छोड़ के आ जाएंगे। तो डर गया, अभी जो आनंद आ रहा था सब वो दुख में बदल गया। 2 महीने में जो खाया पिया था ना 2 दिन में सब निकल गया, सूख के कांटा हो गया। इसी टेंशन में कि भैया 10 महीने बाद मुझे क्या करेंगे, उस जंगल में छोड़ के आ जाएंगे। और कहाँ राजपाट, फिर कहाँ खाने में मन लग रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि 1 हफ्ते में आप मरने वाले हो तो आप आनंद कर पाओगे? कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन वास्तविक सत्य तो यह है कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। उसको कम से कम पता तो है कि वो 1 साल में मरेगा, लेकिन हमें तो यह भी नहीं पता। तो वो क्या करने लगा, बड़ा दुखी हुआ और सूख के कांटा हो गया। और हुआ क्या, अंतिम समय जब आया, जब 1 साल बीत गया, तो उसको क्या किया, सारे सिपाही जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले गए। पहले तो बड़ा खुश हो रहा था कि राजा बन गया, उसको जबरदस्ती पकड़ के ले गए, नाव में बिठाया और जंगल में छोड़ आया। और 2-4 दिन बाद खबर आई कि वो मर गया, जंगली जानवरों ने उसको मार दिया। अब उस नगर में एक दोबारा व्यक्ति आया, एक भक्त आया, भगवान का भजन करता हुआ आया, उसको भी नगर में आया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, हाथी आया और माला पहना दी। वो बड़ा खुश हुआ, पूछने लगा कि भैया हो सकता है मैं भगवान का भजन करता हूँ इसलिए हाथी मेरा सम्मान कर रहा हो? कह रहे नहीं नहीं, हमने माला आपको इसलिए पहनाई है कि हमारे यहाँ का नियम है कि जिसको भी ये हाथी माला पहनाएगा वो हमारे नगर का राजा होगा। उसने कहा देखो मेरी तो कोई इच्छा है नहीं राजा वजा बनने की, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरे को क्या राजा। कहते नहीं, बनना पड़ेगा। उसने कहा चलो भैया प्रभु की यही इच्छा, राजा बनाना चाह रहे तो राजा बन जाता हूँ, वहां जाके भी मैं क्या करूंगा, भगवान की भक्ति प्रचार करूंगा। वो बन गया राजा। 2 महीने तक रहा बढ़िया, सब कुछ वैसे ही, सब कुछ अच्छे से रहा, बड़ा आराम से रहने लगा। 2 महीने बाद मंत्री आया, कह रहा महाराज हम आपको 2 बातें बताना भूल गए। उसने बोला क्या, बताओ क्या बातें। पहली बात, आप 1 साल के लिए राजा बनोगे। कह रहा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही राजा बनने नहीं आया था, कोई बात नहीं। कह रहे दूसरी बात यह है कि आपने जो नदी देखी है? कहते हाँ, वो भयंकर नदी जिसमें मगरमच्छ है? कहते हाँ। कहते उसके पार जंगल है? कहते हाँ, मैंने सुना बड़ा खतरनाक जंगल है। कहते हाँ, आपको वही छोड़ देंगे। वो भी डर गया, अरे भैया मैंने तो कुछ करा ही नहीं, जबरदस्ती का मुझे राजा बना दिया और 1 साल बाद उठा के जंगल में भेज देंगे। लेकिन भक्त ने कहा कोई बात नहीं, चाहे भगवान की जो इच्छा, कोई बात नहीं। उसको भी पता चल गया कि 10 महीने बाद मैं मरने वाला हूं, कोई बात नहीं। लेकिन जो राज सेना थी ना राज्य की, वो बड़ी आश्चर्य में, 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, वो बिल्कुल मस्त रहता, खूब खाता पीता घूमता और हट्टा कट्टा होता गया। सभी लोग सोच में पड़ गए कि आज से पहले जो भी यार राजा बनने आया था ना सब सूख के कांटा हो जाते थे, ये पहला ऐसा व्यक्ति हम देख रहे हैं जो खा पी के मोटा हो रहा है, प्रसन्न है, इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, क्या इसमें डर नहीं लगता क्या? हो ना हो ये पागल है, इस बार ये राजा जो बनाया ना मूर्ख राजा बनाया, ये शायद पागल है, इसे यही नहीं पता कि मरना होता क्या है।
लेकिन जैसे ही एक साल बीता, सेना आ गई सारी कि चलो आपको हम वहां लेके चलते हैं। कहता चलो, सेना कह रही भैया आज से पहले तो हम लोगों को घसीट घसीट के ले जाते थे, और ये कह रहा चलो, और खुद ही चलने लगा। अब सेना भी बड़ी आश्चर्य में कि भैया ऐसा ये कैसा राजा है, और कैसा ये प्रसन्न है, ऐसा प्रसन्न क्यों? जब उसको ले गए, जब नदी के पास ले गए, तो पूरी सेना देख के हैरान। जो नदी थी ना, उसके ऊपर बड़ा सुंदर पुल बन चुका था। उसने बोला चलो तुम मुझे क्या ले जाओगे, मैं तुम्हें ले जाता हूं, चलो आओ देखो तो सही। जब वो आगे ले गए तो देखा जो जंगल था, वो पूरा जंगल वहां साफ हो चुका था। वहां बड़ा विशाल बड़ा सुंदर महल बन चुका था, उससे भी बड़ा महल बन चुका था। बढ़िया बढ़िया सुंदर आम के, चीकू के, लीची के, अंगूर के बढ़िया सुंदर सुंदर वृक्ष है, और बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ। इतना सुंदर कि ये जो नगर था यही फेल। सारी सिपाही कहने लगे ये महाराज ये ऐसा कैसे हुआ? कह रहे मुझे पता था कि 10 महीने में मैं मरने वाला हूं, तो मैंने क्या किया, अपनी आगे की तैयारी की। मुझे पता था आप मुझे वहां एक साल बाद वहां छोड़ के आओगे, तो मैंने क्या किया, 10 महीने में पूरा जो जंगल था ना सारा कटवा दिया, उस नदी पे पुल बनवा दिया, वहां बड़ा सुंदर महल बनवा दिया, और तो और जो सारा शाही खजाना है ना, हीरे जवाहरात सब मैंने वहां पहुंचा दिए, वो सिपाही कहने लगे तेरे सब मैंने वहां पहुंचा दिया। और सिपाही कहने लगे महाराज अकेले जाओगे कि हमें भी ले जाओगे, हैं हमें भी ले जाओगे? महाराज ने कहा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारे साथ वहां भी ले जाऊंगा। तो सिपाही कहने लगे महाराज आप यहां रहो चाहे वहां रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां भी आनंद में रहोगे और वहां भी आनंद में रहोगे। तो कौन कौन दोनों जगह आनंद में रहना चाहता है? सब चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ की भी तैयारी करनी पड़ेगी और वहां की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तैयारी करनी कैसी है ये भी तो जानना पड़ेगा ना, तैयारी करनी कैसे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तैयारी करनी पड़ेगी दोनों जगह की, यहाँ की तो हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन वहां की तैयारी नहीं कर रहे। जहां जाना है आप चाहो ना चाहो घसीटते हुए ले जाएंगे आपको, है बड़े घसीटते हुए ले जाएंगे। ये क्या आप लोगों ने देखा होगा ना, अंतिम समय में कुछ लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, मल मूत्र बिस्तर में निकल जाता है, वो जाना नहीं चाहते लेकिन यमदूत नाग पास बंधन में जबरदस्ती ले जाते हैं कि चल जाना पड़ेगा, आज से पहले कोई ना रुका है ना कोई रुकेगा, जाना सबको पड़ेगा। तो समझदारी किसमें कि वहां की तैयारी करके चलो। तो परीक्षित महाराज जी से पूछा सुखदेव गोस्वामी जी ने कि महाराज आपने जो पंचम अध्याय के अंदर इतने सारे नरकों का वर्णन किया है, हमसे क्या होता है, जाने अनजाने में कितने पाप हो जाते हैं, कैसे हम अपना परमार्थ सुधारे, कैसे अपने जीवन को सुधारे, कैसा हमारा परलोक सुधरेगा, हम क्या करें ऐसा? तो उन्होंने बोला आपको 5 यज्ञ करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अब सुन लो ध्यान से, 5 यज्ञ क्या है? तो परीक्षित महाराज जी बता रहे हैं कि जाने अनजाने में आपसे कुछ भी पाप हुए हो, है ना, हो ही जाते हैं। चलते हुए चींटी मर गई, खाने में छोटे मोटे कीटाणु होते हो, दूध दही घी अग्नि में पानी के पास कई प्रकार के पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। अब हमारे पापों की हमें सजा भी ना मिले और हमारा परमार्थ भी सुधर जाए, तो इसके लिए 5 यज्ञ बताए। तो पहला यज्ञ है कि क्या करना है कि जब हम सुबह जो भी भोजन बनाएंगे उसको ठाकुर जी को भोग लगा के, जो पहली रोटी होती है ना वो किसको देनी है? गाय को। कौन कौन देता है? ठीक है, अरे वाह ठीक है, पहला यज्ञ। लेकिन हाँ इसमें एक चीज और है, रोज दे तो रहे हो, अगर किसी दिन नहीं दी ना तो गाय रुष्ट हो जाती है। क्या होती है? रुष्ट हो जाती है। दूसरा यज्ञ है रोज 5 से 10 ग्राम आटा, वो क्या करना है, चींटियों को देना है। कौन कौन देता है? ठीक है 2-4 लोग है चींटियों को, लेकिन कहाँ देना है? पेड़ की जड़ पे, रास्ते में नहीं देना। पता चलो रास्ते में चींटियों के डाल दिया और आपने तो क्या किया, परमार्थ किया, लेकिन कोई आया उन पर पैर रख के चला गया तो उल्टा क्या लगेगा, पाप लगेगा। आपने तो अपनी तरफ से दिया। लेकिन तीसरा बताया कि मछलियों को आटे की गोली, कौन कौन देता है? कोई भी नहीं, या तो नाले बहते कहां मछली आएंगी है? तो बताया ये भी भैया। चौथा बताया क्या करना है कि पक्षियों को दाना डालना है, रोज डालना है, और नहीं डालोगे और किसी दिन उनके बच्चे भूखे रह गए तो दोष लगेगा। कौन कौन पक्षियों को दाना डालता है? ठीक है कुछ लोग हैं। अब पांचवा कि हमें क्या करना है, हमारे घर में जो अतिथि आएगा ना
उसका अतिथि सत्कार करना है, उसको जो भी भिक्षा देनी है वो भिक्षा देनी पड़ेगी। कि बच्चों किसी को झूठा नहीं देना, इस प्रकार से बताया। अब मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पांचों चीज कर सकता है? हाथ खड़े करना, पांचों चीज जो रोज कर रहा हो, कर सकता है? नहीं कर रहा हो, है ना? बड़ा असंभव है, नहीं तो क्या होगा? तो परीक्षित महाराज जी से ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि महाराज आपने जो पांच यज्ञ बताए ना, ये कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं है। कहां तुम मछलियां ढूंढोगे नालों में, हैं? कहां काला कुत्ता ढूंढोगे, कहां गाय ढूंढोगे, हैं? कहां तुम चींटियों के बिल ढूंढोगे कि वो चींटी पेड़ के खोर पे हो, जड़ पे हो? क्या क्या करोगे? पूरा घर, पूरा समय इसी में निकल जाएगा, तो क्या करें? तो परीक्षित महाराज जी ने जब पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देखो सब कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी सरल विधि बताता हूं। एक सरल विधि है, वो क्या है? वो है भगवान का नाम। क्या है? भगवान का नाम। कह रहे ये भगवान का नाम ऐसा है, जिसने ये कर लिया उसके सारे यज्ञ तपस्या सब हो गया। इसलिए क्या बोलो कि सब लोग बोलेंगे जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम का जप, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम है केवलम, कलो नास्ते नास्ते नास्तिर गति अन्यथा। ये कलयुग में जो हम जैसे बद्धी जीव है ना, इनका उद्धार एक ही चीज से होगा, ये भगवान के नाम से, भगवान के नाम से। अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो रोज लेते, कैसे लेते हैं? मन मन में खाना भी खाया करो, है मन मन में सो भी जाया करो, मन मन में घूम भी लिया करो। नहीं, वैसे तो साक्षात करना है, लेकिन भगवान का नाम लेना है मन मन में, नहीं मन मन में नहीं लेना। कुछ लोग कहते हैं हम सुबह सुबह तो लेते हैं मंदिर में बैठ के, ऐसे भी नहीं लेना। एक विधि है, नाम करने की विधि है। कैसी विधि है? ये भगवान के नाम का जप, ये माला। कुछ लोग कहेंगे भैया हमारे घर में ही माला, हम खुद भी कर लेते। कहते नहीं, ऐसे नहीं करना, ये किसी सदगुरु के माध्यम से ही लेना है। आप लोग देखना जो बरगद का वृक्ष होता है ना, वो आप कितना भी उगा लो, उसको गमले में उगा लो, खेत में उगा लो, अच्छी घास डाल दो, पानी डाल दो, सूर्य की रोशनी दे दो, कभी नहीं उगेगा। जीवन भी जाएगा लेकिन वो नहीं उगेगा। लेकिन कैसे उगेगा? उस बीज को जब चिड़िया उसको चुगती है और उसको खाती है ना, उसके पेट में एक ऐसा रसायन होता है, ऐसा रस होता है ना, उस बीज में इतनी शक्ति आ जाती है, उसके बाद चिड़िया कहीं पे भी बीट करे, छत में कर दे, सीमेंट में कर दे, वो सीमेंट को ही फाड़ के वृक्ष उग जाता है। आप लोगों ने देखा, किस किस ने देखा है? पीपल के बरगद के भी छतों में उग जाते ना। कैसे उग गए? किसने उगाया वहां? वो चिड़िया ने जो बीज खाया उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती, इतनी पावरफुल हो जाता है बीज कि सीमेंट के ऊपर भी उसे खाद नहीं चाहिए, सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, वो वहां पर उगाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो माला है ना, अभी ये साधारण रूप में जब हम इस किसी गुरुदेव के माध्यम से इस माला को ग्रहण करते हैं तो क्या होगा, इसमें इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, ये क्या करेगा, हमें भगवत धाम लेके जाएगा। कहां ले जाएगा? भगवत धाम लेके जाएगा। कौन कौन जाना चाहता है? देखो सभी चाहते हैं। तो वास्तव में देखो, समझदार व्यक्ति वही है जो भगवान का नाम ग्रहण करेगा। समझदारी इसी में, आप लोग मुझे समझदार लग रहे हो इसलिए मैंने आपको एक बात बताई, इस चीज में विचार करना, ठीक है? नहीं तो जगत में लोग, हजारों लोग आ रहे हैं, लोग हजारों लोग जा रहे हैं, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कोरोना भी अब दोबारा आ चुका है, सुनने में दिल्ली में 5000 केस आ गए, कब को क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए क्या करो, सबके सब अपनी तैयारी कर लो। कौन कौन तैयारी करेगा अपनी? हाँ, ये वास्तव में यही मरने की तैयारी है, ठीक है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। कल भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। अब बताओ कौन सा रंग का साड़ी पहन करके आओगे? अरे बहुत जोर से बोला, हाँ पीला पीला, ठीक है? और बढ़िया शादी का समय का जो लहंगा चुनरी निकालना, अरे वो खराब हो रही ना अब तो, कभी देखो और कभी तो कभी सुजोग मिलता नहीं, कम से कम कल ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं, वो अलमीरा में खराब हो रहा है, कम से कम एक दिन तो पहनने के लिए मिल जाए, ठीक है? कल बढ़िया बढ़िया लहंगा चुनरी पहन करके आना और बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और कल है हमारे बड़े गुरुदेव का जन्म तिथि है, इसलिए 12/22 में 12 सेक्टर Q29 बारात हॉल को सामने हम लोग मनाएंगे सवेरे 9-10 बजे आ जाओ, ठीक है?
कथा भी सुनना, प्रसाद भी पाना, ठीक है, प्रसाद पा करके फिर कथा में आ जाओ, फिर शाम को यहाँ भी प्रसाद मिलेगा, यहाँ भी प्रसाद और वहाँ भी प्रसाद। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, और एक चीज ध्यान रखो, बताए कोई भी सोने का चीज पहन कर बताए, ठीक है, कोई सोने का चेन, कान में कोई सोने का फूल, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना, अरे हम कथा में गए थे, हमारे सोने का चेन है चली गई तो हम बेचैन से होकर के आए, ठीक है, बोलो। हाँ बोलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हर कल कुछ टप्पी खिलौना लजन सब लेकर के आना, उसको भी बटवाएगी, जैसे मंद महोत्सव हम बांटते हैं। बोल अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे गुरुपाद पद्मों विश्वपाद श्रोतर शत भक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि वंदन। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यली लालीन विश्वपाद श्रोतर शत भक्ति विदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर जयुक्त हो, गुरु परंपरा जयुक्त हो, समस्त वैष्णव वैष्णविया सभी को। माताएं कहाँ जा रहे हो, कथा को बीच में उठने पर पाप लगता है, तुमको पता है, कथा की पूरी सुनोगे तो अब आधा घंटा कथा। हाँ, इसलिए आधा घंटा में कथा विश्राम हो जाएगी। बैठ बैठो, बैठ बैठ जाओ, जिसको जिसको बैठना है वो बैठो कथा में, और जाना है तो तुरंत बहुत जल्दी से चले जाओ। हाँ, बैठ जाओ, पूरी कथा सुनोगे तभी तो इच्छा पूरी होगी ना, जो मांगोगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन पूरी कथा जब सुनोगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलो बोलो, सब सुनो, जन्म जाएंगे। हरे कृष्णा। आगे का जो प्रसंग है वो श्री मनु जी का वंश है। आप लोगों ने सुना होगा, कभी कोई हमें बड़ा डांटता है तो क्या कहता है, अरे यार तू आदमी है या जानवर, कहता है कि नहीं, हम लोग क्या है, मानव है क्या है, अरे जोर से बोलो, मानव है कि नहीं, हम लोग मानव क्यों है, क्योंकि हम लोग मनु जी की संतान है, क्या है, मनु जी की संतान, मनु जी की जो संतान है वही मानव है, ठीक है। ओ माता बैठ जाओ क्या चले जाओ, दोनों में से एक काम करो, क्या तो बैठ जाओ क्या फिर चले जाओ, वही पर बैठे, जहां पर हो वही जहां पे हो वहीं पे बैठ जाओ, आगे बैठोगे तो आगे पर बैठ जाओ, हम लोग मानव हैं, है ना, क्योंकि श्री रामायण जी में श्री मनु जी का वंश आता है, तो वहां पे कहा जाता है स्वयंभू मनु अरु शत्रु इनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु जी और शत्रुपा जी से ही हम आए, इसलिए मनु अपत्यम मानवा, ठीक है,
ये मनु जी के दो संतान थी, कौन थी? दो बालक थे। क्या नाम था? पुत्र बालक। क्या नाम था? एक का नाम उत्तानपाल, एक का नाम प्रियव्रत। अब ध्यान से सुन लो, ये जो ध्रुव जी की कथा है ना, भागवत जी में इसके लिए कहा गया है ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज को देने वाली है। इसलिए जो ध्यान से सुनेगा, चारों पदार्थ उसकी करतल पे होंगे, वही उसको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखो इनके दो संतान थी मनु जी के, एक का नाम था उत्तानपाद, एक का नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत कहते हैं जिसको अपना किया गया व्रत प्रिय हो, प्रियाणी व्रतांसी यस्य प्रियव्रत। एक है उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? पाद कहते हैं पैर को, उत्तान कहते हैं ऊपर की ओर। ये जब बच्चा गर्भ में रहता है माता के तो कैसे रहता है? ऊपर पैर करके रहता है, उल्टा रहता है ना बालक। तो ये जीव ही उत्तानपाद है, जीव ही उत्तानपाद है। इस उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था श्री सुरुचि। सुनीति किसको कहते हैं? जिस पहले देखो जो नाम होता था ना उसी के अनुसार गुण प्रकट हो जाता था। आजकल नाम ऐसे धरते हैं कि उल्टा, गुण कुछ और है और नाम कुछ और है ना। आजकल नाम ऐसे धरते हैं, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम दारा सिंह। अब नाम जब सुनते हैं दारा सिंह तो सोचते होंगे कितना बलवान होगा, लेकिन अगर उसको देख लो तो ऐसा लगे कि फूंक मार दो तो ही उड़ जाए, इतना सब। तो पहले कुछ नाम, पहले जो नाम होता था वहीं से गुण प्रकट होता था, आपकी अब ऐसा है नहीं। तो देखो सुनीति, सुनीति किसको कहते हैं? जिसकी नीति शुद्ध है, जिसकी नीति भजन में है, उसी का नाम सुनीति है। जिसकी शुद्ध भजन आनंदी नीति है उसको ही सुनीति कहते, क्योंकि सुनीति जी हमेशा भगवान के भजन में रहती थी। दूसरी राजा की जो रानी थी उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि मतलब जिसकी रुचि ज्यादा, राजा की जिसमें ज्यादा रुचि थी, क्योंकि सुरुचि जी जो थी वो भजन भजन वजन कुछ नहीं, स्वस्य रुचि अपनी रुचि, शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं, भगवान की कथा से कुछ लेना देना नहीं, जो भी कुछ करना अपने मनमानी करना, उसको ही क्या कहते हैं? सुरुचि कहते हैं, अपनी खुद की रुचि। इसको ले जाओ माता जी, इसको ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, इनको जगह दे दो, इनको जगह दे दो भाई। बोलो बोलो बोलो। तो रुचि, उसको कहते हैं सुरुचि। क्योंकि सुरुचि जी सुंदर थी इसलिए राजा उस पे आसक्त था, पर सुनीति जी सुंदर नहीं थी लेकिन वो भजनानंदी थी इसलिए वो महल के बाहर रहती थी, राजा उसको ज्यादा प्रेम नहीं करते थे। देखो जो माता भजन में रहेंगी, जो भजन करेंगी, जो भगवान का नाम करेगी, उनके यही भक्त पैदा होगा, उनके यहाँ पे भक्त पैदा होगा भक्त। इसलिए जो सुनीति जी हैं उनके गर्भ से श्री ध्रुव जी आए। कौन आए? श्री ध्रुव जी। और जो सुरुचि है उनके बेटे का नाम है उत्तम। उत मतलब ज्यादा, तम मतलब अंधकार, जो अंधकार में लीन यानी जो मंद बुद्धि है उसको उत्तम कहते हैं। अब देखिए क्योंकि राजा सुरुचि जी से ज्यादा प्रेम करते थे तो उनके बेटे से भी ज्यादा प्रेम करेंगे। एक दिन क्या हुआ, सुरुचि का बेटा उत्तम राजा की गोदी में बैठा था, और जब वो गोदी में बैठा तो ध्रुव जी खेलते खेलते महल में आ गए। ध्रुव जी ने सोचा कि मेरा भाई उत्तम बैठा है मेरे पिता की गोद में तो मैं भी बैठ जाऊं। अब ध्रुव जी छोटे से बालक 5 वर्ष के चढ़ते चढ़ते सीढ़ियां ऊपर आए और बैठने का प्रयास किया। इतनी देर में जो सोतेली माँ थी सुरुचि ध्रुव जी की, उसने कहा क्या कर रहे है? तो कहा मैं अपने पिता की गोदी में तो बैठ रहा हूं। कहा नहीं, तू नहीं बैठ सकता। क्यों? बोले क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अरे तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, भगवान का भजन करके मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांग, तभी तू मेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद ही पिता की गोदी में बैठेगा। अब ध्रुव जी छोटे से बालक, अब आप देखो छोटा सा बच्चा उसको डांट दे ऐसे बोले तो वो कैसा उसको लगेगा। ध्रुव जी छोटे से बालक, मन उदास हो गया, मन हताश हो गया, आंख लाल हो गई, नेत्र भराए और होंठ फड़कते रहे और चले गए अपनी माँ सुनीति जी के पास। सुनीति जी सदा भगवान के भजन में रहती, और जैसे सुनीति जी गई, सुनीति जी के पास श्री ध्रुव जी पहुंचे छोटे से बालक, सुनीति जी ने गोदी में उठाया ध्रुव जी को अपनी अंक में, अपनी साड़ी के कोने के भाग से सुनीति जी ने उसके आंसू पोंछे और पूछा
ध्रुव जी से, अरे कौन कहो कटु वचन किया, किसने तेरा अपमान पायो, अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। अरे बालक, अरे लाला, तेरे को किसी ने कुछ कह दिया, कोई कुछ बात हो गई तो मुझको बता। मैया, मैं तो अपने पिता की गोदी में बैठने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वे मेरे भी पिता है, पर बड़ी जो मेरी दूसरी माता है विमाता, उन्होंने मुझको मना कर दिया, नहीं बैठ सकता। तो कहा, अच्छा जरा बता क्या कहा उन्होंने। तो कहा दो बातें कही। कहा क्या क्या कहा? कहा पहली बात कही, मेरे गर्भ से जन्म ले और भगवान का भजन कर। कहा भगवान का भजन कर और उनसे वरदान मांग, मेरे गर्भ से जन्म ले। तो माता बोली, देखो माता जो भजन में रहती है ना, वो कभी भी इन प्रपंच में नहीं पड़ेगी। कैसे? अगर आजकल की माता होती तो क्या कहती, चल अभी कोर्ट में चले केस करे, अभी चल अदालत चल, अभी उसको मैं हथकड़ी लगवाऊं। पर जी सुनीति जी तो भगवान के भजन में रहती है ना, इसलिए उसने कहा नहीं नहीं विवादों में नहीं पड़ना, ये विवाद का तो प्रसंग ही नहीं है। देख माता ने दो बातें कही हैं, एक अच्छी बात कही है, एक अच्छी बात नहीं कही। अच्छी बात क्या कही है? देख बेटा भगवान का भजन कर। अरे जब तू भगवान का भजन करेगा तो ये राजा की गोदी कैसी गोदी? ये तो भोगी हुई गोदी है। राजा की गोदी, राजा की क्या गोदी में, इस सिंहासन पे क्या? यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो तुझको उस सिंहासन पर बिठा देंगे जहां पे भगवान विराजमान हैं। इसलिए कहा तू चिंता मत कर। इसलिए ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी ने कहा कि अच्छा माता अब मैं क्या करूं? तो बोले देख ध्रुव, मैं तेरे को एक चीज बताती हूँ, ध्रुव मैं तेरे को एक चीज बताती हूँ, अगर तूने मेरी ये बात मान ली तो तेरे को इस बात तो तेरे मन में जीवन में कभी कोई भी कितनी बड़ी घटना हो जाए तेरे को दुख नहीं होगा। अच्छा माता कौन सी बात? तो ध्रुव जी की माता ने कहा कि अगर तुम्हें जग ने ठुकराया तो समझो कि अब प्रभु ने अपनाया, क्योंकि कृपा जब करते हैं भगवान छीन लेते सब धन सम्मान, शीश पर पड़े विपत्ति महान। जब भगवान कृपा करते ना, यदि जगत ठुकरा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जगत ठुकराए अब समझ जाना चाहिए कि अब तो जगदीश अपनाएंगे, भगवान अपनाएंगे। देखो भैया आप एक बात बताओ, राम जी ने जब श्री विभीषण जी को लात मारी रावण ने, तात लात रावण को ही मारा, तो जब सब जगह से निकाल दिया विभीषण जी को, तो राम जी ने शरण में लिया कि नहीं? राम जी की शरण में आ गए। दुनिया ठोकर मार दे परंतु भगवान की गोद तो सदा हम लोगों के लिए ही है, सदा हम लोगों के लिए है। इसीलिए उसने कहा, माता ने कहा देख भाई अब तू एक काम कर, जा और जाकर के भजन कर। अरे ध्रुव तू रोता रोता किसके पास जाएगा, किसका शरण लेगा, किसके पीछे छुपेगा? अरे जैसे चूहा है, वो चूहा अगर बिल्ली आ गए तो यदि चूहा चूहे के पीछे छुप जाए तो क्या बच पाएगा? नहीं, बिल्ली को एक के साथ एक मिल जाएगा। यदि सियार सोचे कि मैं शेर आ रहा है मैं सियार के पीछे ही छिप जाऊं, एक सियार दूसरे सियार के पीछे अगर छिपेगा तो क्या बच पाएगा? नहीं, शेर आएगा तो दोनों को खा जाएगा वो। ऐसे ही यह जीव नहीं कहूं ओट बचे, हरी ओट बचे यह वेद पुकारे। अगर ये जीव सोचे कि मैं किसी जीव की शरण ले लूंगा तो कभी नहीं बच सकता, पर अगर ये जीव सोचे मुझे बचना है तो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, तभी जीव बच सकता है, तभी जीव बच जाएगा। और इसीलिए माता ने कहा जा जाकर के तू भगवान का भजन कर। अरे ध्रुव मैं धन्य हो जाऊंगी, तेरे को जन्म देते हुए मैं सार्थक हो जाऊंगी, मेरा यश हो जाएगा। तू भगवान को यदि प्राप्त कर लेगा तो मैं समझूंगी कि मैंने किसी महात्मा को जन्म दिया है। देख भैया, अच्छा आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, यदि एक माता और एक पिता दोनों हैं, बच्चे ने कोई गलती कर दी और माता ने उसको खूब थप्पड़ लगाए
और बच्चा रोए और थप्पड़ लगाए। अब पिता यूं गए, अब तू छोड़, पिता गए पत्नी को, उसकी माँ को, कि अब तू छोड़, मैं इसकी डंडे से पिटाई करता हूं, तो क्या माता करने देगी? अरे जोर से बोल, करने देगी? उस माता के अंदर केवल एक माँ है, लेकिन महात्मा के अंदर दो माँ है, माँ हाथ माँ दो माँ है। तो भगवान संत, भगवान की संत क्यों नहीं जीव, संत क्यों पिटाई करेंगे, संसार से क्यों पिटाई खिलवाएंगे, संत तो भगवान के पास पहुंचा देंगे। इसीलिए भैया हो, इसीलिए भैया श्री सुनीति जी ने कहा कैसे भजन करना है, तो भजन के लिए जा, परंतु कैसे भजन करना है वो तो केवल संत बताएंगे। तो माता को प्रणाम किया, ध्रुव जी पहले तो रोए, ध्रुव जी ने कहा माँ, ध्रुव जी से कहा सुनीति जी ने, अरे अब क्यों रोता है? तो कहा मैं सोचा हाय मैं कैसी अभागी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ कि मुझे मेरे पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु आज मैं धन्य हो गया कि तेरी कोख से जन्म लिया है, मुझे जगत पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए वो चल दिया। माता ने कहा अच्छा किसकी गोदी में बैठेगा? तो कहा अब तो बैठू सकल गोद निर्भय हो सदा सहित सम्मान, सकल गोद निर्भय हो, ओ बड़ी गोदी में बैठूंगा सदा सहित सम्मान, सम्मान के साथ बैठूंगा। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। आहा ध्रुव जी निकल पड़े, ध्रुव जी निकल पड़े, ध्रुव जी जब निकल पड़े करने चले हैं तप कठोर, ध्रुव जी हरि को मनाने, ध्रुव जी निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो रास्ते में सोचे हे भगवान मैं निकल तो पड़ा हूं पर मैं कैसे भजन करूं, ये कौन बताएगा, कहां जाऊं कौन बताएगा। इतनी देर में जब ध्रुव जी के मन में ये संकल्प हुआ कैसे भजन करूंगा, जो अच्छे काम के लिए निकलता है ना भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान सोचने लगे, भगवान के मन में आ गया ध्रुव जी चाहते हैं मेरे भजन करना, लो मैं नारद जी को भेजता हूँ। इतनी देर में नारद जी ध्रुव जी के पास पहुंच गए, नारायण नारायण करते करते अरे नारद जी पहुंचे श्री ध्रुव जी के पास। पीत वसन कर वीण तिलक द्वादश अंग सोहे, गावत गुण गोपाल प्रेम त्रिभुवन पति मोहे, पीतांबर सो पोंछी कही नारद शुभ पानी। नारद जी पहुंच गए, अरे ध्रुव क्या कर रहे हैं? नारद जी ने ध्रुव जी को गोदी में उठाया और अपने पीतांबर से ध्रुव जी के पसीने पोंछे। ध्रुव जी से कहा, नारद जी ने कहा कहां जा रहा है भाई? तो कहा मैं तो भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, मुझे गोदी नहीं मिली है। अच्छा इसलिए तू भगवान? हाँ मैं इसलिए भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। अरे तू चिंता मत कर, चल अभी चल, अभी मैं उत्तान बात को कहता हूँ, तुझे आधा राज्य दे। तो कहा ध्रुव जी ने, नहीं 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 नहीं, आप भजन का कमाल तो देखो, अरे अभी तो मैं भगवान का भजन करने चला ही नहीं हूँ, केवल संकल्प लिया है निकला हूँ, इतनी देर में देखो मुझे आधा जब राज्य अभी मिल रहा है, तो जब मैं भगवान का भजन करूंगा तो मुझको क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा, इसलिए कहा कि आप मुझे केवल उपदेश करो। नारद जी ने मंत्र दिया है, भैया हो कान में मंत्र दिया है, देखो ध्रुव जी की जो जन्मस्थली है ना वो कानपुर के पास क्या है, बिठूर है, बिठूर कानपुर के पास है। ये कानपुर का नाम कानपुर क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा क्योंकि कानपुर के अंदर ही ध्रुव जी के कान में श्री नारद जी ने मंत्र दिया है तो वो पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, तो कानपुर हो गया, इसीलिए वो कानपुर है, इसीलिए वहां पे नारद जी के कान में मंत्र दिया है। और मंत्र जब दिया है तो द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यद्वादशाक्षर मंत्र, ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। ध्रुव जी करने के लिए चले हैं। सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या किया, सबसे पहले महीने में ध्रुव जी ने कपित्त का फल खाया। कपित्त का फल होता है, कपित्त का फल क्यों खाया? क्योंकि गणेश जी को कपित्त का फल प्रिय है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जंबु फल चारु भक्षिणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कपित्त का फल इसलिए खाया क्योंकि मानो
खा करके गणपति को कह रही है, गणपति आपको भगवान कृष्ण ने प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया ना, अरे मेरे भजन में कोई विक्षेप ना आए, आप कृपा करो। दूसरे महीने में उन्होंने फल खाए, दूसरे महीने में केवल जल पिया, तीसरे महीने में पत्ते खाए, फिर उसके बाद सूखे पत्ते खाए, चौथा महीना आया तो पत्ते भी छोड़ दिए, फिर केवल और केवल वायु, लेकिन पांचवा और छठा महीना जब आया तो वायु भी छोड़ दी, अब तो वायु भी नहीं ले रहे, अब तो श्वास भी नहीं ले रहे। जब वायु का आहार लेना बंद कर दिया तो उनका जो तप है उससे इतनी अग्नि प्रस्तुत हुई, इतना तेज निकला कि ऊपर के सारे लोग कांप गए, ऊपर के लोगों में विस्फोट होने लग गया, सारे देवता आए और भगवान की शरण में आए, प्रभु जाओ और जाकर के ध्रुव को दर्शन दो वरना हमारे लोग चल जाएंगे। ध्रुव जी जब ऐसा सुना तो श्री भगवान चल दिए। जब श्री भगवान चले ध्रुव जी को दर्शन देने, देखो यहाँ ध्रुव जी की अवस्था, ध्रुव जी को 6 महीने हो गया तप करते करते, आप बिल्कुल ध्रुव जी का शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया, पत्ता दुबला शरीर हो गया, आंख भरी आई ध्रुव जी की, और 6वें महीने में आंख के कोने से आंसुओं की बूंद निकली, वो नाक को छूते हुए कपोलों का अतिक्रमण करते हुए होंठ से गुजरते हुए ठोड़ी पर 2 क्षण रुकते हुए जैसे ही पृथ्वी पर गिरी, सोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण प्रकट हो गए, शशंक चक्रम शरीर कुंडलम सहित वस्त्रम सरसी युनिक्षणम समारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रीयम नमामि विष्णुम शरशाम चतुर्भुजम, श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। श्री ध्रुव जी को जगाया श्री नारायण ने, नारायण ने देखा श्री ध्रुव जी ने, नारायण को देखा नारायण, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी नारायण को देख रहे हैं। आहा, अब ध्रुव जी के मन में आया, अरे मेरी माँ ने कहा था बेटा यदि भगवान, यदि संतों को भगवान मिलते हैं, संतों का दर्शन होता है तो संत कुछ स्तुति करते हैं, तो भगवान को देख करके तो कुछ स्तुति करनी चाहिए, पर मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, 5 साल का बच्चा हूँ, मुझको तो कुछ आता ही नहीं। भगवान समझ गए, अच्छा इसके मन में कुछ चल रहा है ना, कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल पर चुबाया, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कम्बुनाथ पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने शंख उठाया और वेद मई वाणी पाकर ध्रुव लगे करने गुण गान पायो, अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। जब ध्रुव जी के कपोल पर चुबाया तो उसकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई, ध्रुव जी ने स्तुति करी, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अग्नि शक्ति धरस्वधान्नाम अन्यस्त हस्त चरण श्रवण द्वकारीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भक्ति मोह प्रवतां त्वयमे प्रसंगो भूयात् अनंत महताम भगवान ध्रुव जी को देख रहे, ध्रुव जी भगवान को देख रहे, ध्रुव जी सोचे, भगवान सोचे, ध्रुव जी सोचे कि अरे मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ, उछल करके कूद करके गोविंद की गोदी में घुस जाऊं, इन्होंने मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया। भगवान ने कहा ध्रुव मांग ले कुछ वर का, कुछ नहीं मांग रहा, अरे उर्गचु प्रथम वासना, रे पहले वासना थी राज्य की पर आपका दर्शन पा लिया, अब तो कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं सरकार चाहिए। इसीलिए कहा कि आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत कर फिर भी मांग ले, तो कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो लाडले दुलारे संतों का साथ दे दीजिए, आपकी कथा दे दीजिए, बस आपकी कथा ही सुनता जाऊं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कहा कोई बात नहीं ध्रुव, तूने तेरे को राज्य की कामना थी तो तू 36,000 वर्षों तक राज्य कर, ऊपर मैंने तेरे लिए एक विशेष अपार्टमेंट एक होटल तैयार किया है, वो ध्रुवलोक के नाम से प्रसिद्ध होगा, तू आ जाइयो, जिसकी सप्तर्षि मंडल परिक्रमा करते हैं, तू जब 36,000 वर्षों के बाद ध्रुव जी तुम आओगे तो तुम्हें वो तैयार मिलेगा। इतनी देर में ध्रुव जी चल दिए, भगवान अंतर हृदय भगवते भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ध्रुव जी जाने लगे, जब ध्रुव जी जाने लगे तो उधर नारद जी ने उत्तानुपात को सारी ध्रुव चरित्र सुना दिया ध्रुव जी के पिता को। ध्रुव जी के पिता मन में सोचे हे भगवान उसको तो मैंने गोदी में नहीं बिठाया, छोटा सा बालक कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, जंगल में कैसे रह रहा होगा। ध्रुव जी के पिता इधर से आ रहे थे, ध्रुव जी इधर आ रहे थे, देखा मेरे पिता आ रहे सामने, गए और ध्रुव जी चरणों में लेट गए अपने पिता के। ध्रुव जी के पिता उत्तानुपात ने ध्रुव जी को गोदी में उठाया और
उसी गाल पे चूमा, उसी गाल पे चुम्बन किया जिस गाल पे भगवान ने शंख चुबाया था। तो शंख चुबाया था तो भगवान का अधरामृत उस गाल पे लगा हुआ था, उसी गाल पर उस उद्दानपाल ने चुम्बन किया तो मुख में, और तो फिर उसके बाद जब वो मुख में हरि अधरामृत चला गया तो जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रवृत्ति जल करके उसकी भस्म हो गई और उसके पिता के मन में वैराग्य हो गया और ध्रुव जी से कहा, हे ध्रुव अब मैं परमार्थ संभालता हूं और तू राज्य संभाल। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने तप किया, 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया है। जब 36,000 वर्ष हो गए इतनी देर में ध्रुव जी ने क्या देखा महल से बाहर निकल के कि सामने भयंकर स्त्री सफेद कपड़ों में खुले बाल करके और मेरी तरफ आ रही है। ध्रुव जी ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं मौत हूँ, मेरे द्वारा ही त्रिगुणात्मक सृष्टि से व्यक्ति परे जा पाता है। ध्रुव बरसों से तेरे महल में घुसने की कोशिश कर रहे हो पर जिस खिड़की से घुसती हो मुझे घूमता हुआ सुदर्शन नजर आता है, मुझ पर कृपा कर मेरे द्वारा ही त्रिगुणात्मक सृष्टि से व्यक्ति परे जा पाता है। ध्रुव जी ने संकल्प किया आकाश से विमान धरती पर उतरा क्योंकि वो विमान अप्राकृतिक था इसलिए प्रकृति का स्पर्श नहीं कर पाता, विमान धरती से थोड़ा ऊपर था। ध्रुव जी ने कहा मौत जरा तू झुक जा मैं तेरे ऊपर पैर रखकर के और इस विमान के ऊपर चढ़ूंगा। तो इतनी देर में मृत्यु ने अपना सिर नीचे कर दिया और ध्रुव जी मृत्यु के मुख पर पैर रखा। मृत्यु मूर्धनि पदं दत्त्वा आरोहा भूतं गृहं, मृत्यु के मुख पर चढ़ करके श्री ध्रुव जी ने भगवान के धाम को गमन किया। मौत तो वही है, अरे जैसे एक छोटी बिल्ली है, बिल्ली की छोटी छोटी बिलैया के छोटे छोटे बच्चा हो ना, वो बिल्ली का वही मुंह है, उसी मुंह से बिल्ली जब अपने बालक को पकड़ती है तो उसे प्यार से बिल में रख देती है, लेकिन जब किसी चूहे को पकड़ती है तो उसको फाड़ देती है, भयाभय दशा कर देती है। ऐसे ही भैया हो मौत तो वही है, जब वो किसी दुराचारी व्यभिचारी के पास जाती है तो उसको उसकी भयाभय दशा कर देती है, लेकिन वही मौत जब किसी भक्त के पास जाती है तो उसके स्पर्श से अपने आप को धन्यात धन्य कर लेती है। इसलिए मृत्यु मोहनि पदं दत्त्वा आरोहा भूतं गृहं, मृत्यु के मुख पर चढ़ करके श्री ध्रुव जी ने भगवान के धाम को गमन किया है। जब ध्रुव जी भगवान के धाम को जाने लगे आकाश में विमान में बैठे तो पूछा विष्णु पार्षदों से, अरे मेरे को तो मेरी माँ ने भजन में लगाया था, मेरी माँ ने मुझको मेरी माँ ने ही तो भजन में लगाया था, मेरी माँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा अरे ध्रुव जी चिंता मत करो, आगे देखो एक और विमान जा रहा है उसमें आपकी माँ बैठी है, आपसे पहले आपकी माता भगवान के धाम जाएगी क्योंकि उसने आपको भजन में लगाया है। इसलिए जो माता अपने बालक को भगवान के भजन में लगाती है उसी का ही जीवन सार्थक है, उसी का ही जीवन मंगलमय है। लोग कहते हैं कि हमारा बेटा बात नहीं मानता, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारे बेटे बात नहीं मानते, तो बात कैसे मानेंगे? हमारे गुरुदेव कहते हैं तुमने कभी रामायण पढ़ा है, कभी तुम रामायण पढ़ती हो कि सारे दिन टीवी खोल करके सास बहुओं के सीरियल ही देखती रहती हो, कभी भगवान कभी कथा में जाती हो, कभी भगवान की कथा सुनी है? नहीं सुनी। जिसने रामायण जी नहीं पढ़ी ना उसके बेटा भी आखिर में कुछ नहीं कर पाएंगे, डंडे ही मारेंगे उसको। बेटे बात नहीं मानते फिर पूछती है, और जब बूढ़े हो जाओगे तो फिर कहोगे पूछता ही नहीं मेरा बेटा, पूछता ही नहीं। और फिर बेटे क्या करते हैं? बेटे यही सोचते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, अरे कब तक मरी है ई बूढ़नवा, कैसे बीतेगी, अरे कब कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी, अरे कैसे बीतेगी रे तेरी कैसे बीतेगी, अरे कब कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। बालापन हंस खेल गवाया फिर आई मस्त जवानी, अरे मात पिता ने करी सगाई तो दुल्हा बने गुमानी, बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी, अरे कबू कियो ना भजनवा, कैसे। इसीलिए अपने बच्चों को भगवान के भजन में तभी तो लगाओगे जब पहले खुद भगवान का भजन करोगे। इसीलिए आज से और जब तक कथा हो 7 दिन पर्यंत यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग आओगे और अच्छी तरह कथा सुनोगे, हमारे गुरुदेव से तुलसी जी की माला लोगे, आपको तुलसी जी की माला की महिमा कल बताएंगे, और भगवान का मंत्र जप करोगे, नाम जप करोगे, और जब ऐसा करोगे तभी तुम्हारा बेटा बेटी
गोदी में तुम्हें खिलाएगा, तब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे बेटा बात नहीं मानता। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ, तो कल से रोज भगवान की कथा में समय से आना और समय होने के बाद ही जाना। वांछा कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आज अनाउंसमेंट है, एक तो हमारे घाटी श्याम मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, प्रभु जी आएंगे और आरती करेंगे। मैं डॉक्टर साहब को फोन किया था, ठीक है ना, वो तो कह रहे कोई भी आएगा तो उनसे करा लेना। डॉक्टर साहब है ना अर्पण मेडिकल वाले, और दूसरे हमारे कुमकुम हॉस्पिटल हरे राम और कुमकुम डॉक्टर भी आएंगे, दोनों परिवार आएंगे और ठाकुर जी की आरती करेंगे और महाराज जी से प्रसाद और कुछ गिफ्ट भी प्राप्त करके जाएंगे दोनों के दोनों परिवार। हरे कृष्णा। तेरे शीश पे सो